फर्स्ट टाइम दाऊद इब्राहिम से आपकी बात कब हुई? तो असली अगर किसी व्यक्ति को उस वक्त का अंडरवर्ल्ड डॉन माना जा सकता है तो वो अकेला आदमी भरत राजन मुतलियार है। तो दाऊद जिद पे अड़ गया कि बोले साले सारा काम हमने किया, खतरा हमने मोल लिया और तू पूरा पैसा लेकर के जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो दाऊद ने उसका हलक पकड़ करके उससे 1 लाख रुपए लिया था। दाऊद का जो पहला अपराध है जो लोगों की नज़र में नहीं है वो ये है। और यहाँ से दाऊद इब्राहिम को समझ में आया कि पावर क्या होती है, खौफ क्या होता है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये एक हिट था ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स या अंडरवर्ल्ड पे, इससे सच में उन पे अफेक्ट हुआ? आईएसआई जो है अपनी तरफ से एक नया ही मंसूबा, एक नया ही प्लान तैयार किया। उन्हें देश में कुछ बड़ा करवाना था। उन लोगों ने सबसे पहले जो है टाइगर मेमन से संपर्क किया। दाऊद के बाद में अगर कोई डिसीजन मेकर था तो वो राजन था। दाऊद जो है वो उतना अच्छा प्लानिंग करने वाला आदमी नहीं था, वो उतना अच्छा प्लानिंग नहीं कर सकता था। राजन जबकि बहुत बढ़िया प्लानर था। ये बताया जाता है कि अपने सेफ हाउस में रख के, अपनी कस्टडी में रख के उसने नूरा को सिगरेट के चटके लगा लगा करके उसकी आवाज़ जो है दाऊद को सुनाई थी। और दाऊद ने 50 बार बोला भी कि मैं तेरी ज़मीन छोड़ दूंगा, तो इसको छोड़ दे। उसके बाद में फिर दाऊद को कोई नहीं। दाऊद ने उसके बाद ऐसा कत्लेआम मचाया, मुंबई शहर का हर दरीचा, हर सड़क, हर दरवाजा उसने खून से रंग दिया। 25 अगस्त 1994 रामदास नायक की मौत होती है। बीजेपी के ऐसे कहा जाता है कि अगले सीएम वो बनते अगर वो जिंदा होते। फर्स्ट टाइम कलशनिकोव से किसी की हत्या की गई थी और छोटा शकील ने कराई थी। क्या कहानी है ये? हिंदू मुस्लिम वाला एंगल। और दूसरा जो उसके पीछे का असली कारण है वो लोगों को नहीं पता है। क्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पैट्रोनेज अंडरवर्ल्ड के हर डॉन को, हर गैंग को मिलता रहा है और उसके बिना कोई भी गैंग खड़ा नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। हमारे यहाँ तो कहते हैं तुम्हारे पास दाऊद है तो हमारे पास में गवली है। बाला साहब ठाकरे का स्टेटमेंट है भाई, इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। और दूसरी बात, दुष्यंत ने जो कहा था ना कि जिस जिस की दुम उठाई वो मादा निकला, ये कहानी वही है कुल मिला के। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा खास है। क्यों? क्योंकि इस पॉडकास्ट पे कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो आज तक इंडियन सिटीजन को कभी पता नहीं थी। आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर विवेक अग्रवाल से, जो कि एक क्राइम जर्नलिस्ट है और पिछले 30 सालों से क्राइम की दुनिया को कवर करते आ रहे हैं। चाहे फिर वो मुंबई का अंडरवर्ल्ड क्यों ना हो, अटैक्स क्यों ना हो या की स्मगलिंग क्यों ना हो, उन्होंने हर तरह का क्राइम इस देश में देखा है और उसे रिपोर्ट किया है। इस पॉडकास्ट में विवेक अग्रवाल जी ने हमारे साथ बात की दाऊद इब्राहिम के बारे में। किस तरह से दाऊद इब्राहिम एक खूंखार आतंकी डॉन बना, उसकी पूरी कहानी शेयर की। उन्होंने हमें यह बताया कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम बनने के पीछे एक जर्नलिस्ट की मौत थी। उन्होंने हमें यह भी बताया कि फर्स्ट टाइम दाऊद से क्राइम किस इंसान ने कराया। उन्होंने हमें बताया कि दाऊद का मेंटोर कौन था। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पाकिस्तान का एक लुटेरा डॉन दाऊद इब्राहिम के ऊपर हावी हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। बहुत टाइम से इस एपिसोड का इंतज़ार कर रहा था एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जब मैंने जर्नलिज्म खुद ने पढ़ना स्टार्ट किया था तब मुझे क्राइम जर्नलिस्ट बनना था, क्राइम रिपोर्टर बनना था, मुझे वॉर करस्पॉन्डेंस करना था। एंड उसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि फर्स्ट स्टेप इज़ क्राइम रिपोर्टिंग। एंड तब से ये एक थोड़ा कीड़ा रहा है कि अंडरवर्ल्ड के बारे में जानना, क्राइम स्टोरीज जानना। एंड आज वो मैं सब आपसे जानना चाहूँगा। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए, बुलाने के लिए। जी सर। और अब मैं आपसे एक पहला सवाल करूँगा कि आपने अपने पॉडकास्ट का नाम आवारा मुसाफिर क्यों रखा? सर, ये एक्चुअली बहुत फ़नी स्टोरी है। मैं पहले ट्रैवल फोटोग्राफर था एंड ट्रैवल फोटोग्राफी करते करते उस वक्त ऐसा एक चलन था कि इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफर्स बहुत हुआ करते थे, सबके कुछ क्वर्की से नाम होते थे। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आवारा मुसाफिर नाम रख लो, तो तब से वो नाम चिपक गया है। तो फिर मेरी ब्रांड आइडेंटिटी अब आवारा मुसाफिर है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत हिंदुस्तानी नाम है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा, अपना सफ़र, एक आवारा मुसाफिर, दो साथ में मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर बेसिकली आज हम बहुत सारे पॉडकास्ट आपके साथ में रिकॉर्ड करने वाले हैं, एंड जितना मैंने रिसर्च किया है, आपकी स्टोरीज मैंने जो पढ़ी इन पॉडकास्ट को करने के लिए, जो मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें एक चीज़ मुझे समझ में आई कि आपकी जो लाइफ जर्नी रही है, अगर हम उसे स्कैन करें तो मुंबई अंडरवर्ल्ड की भी जर्नी हमें पता चल जाती है बहुत हद तक। फर्स्ट चीज़ जो मुझे स्टार्ट करनी है, बिकॉज जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का कोई भी नाम लेता है, एक नाम सामने आता है, दाऊद इब्राहिम। एंड दाऊद इब्राहिम एक ऐसी स्टोरी है जिसके बेसिस पे आज भी न्यूज़ चैनल्स अपने टीआरपी चला रहे हैं, न्यूज़पेपर्स अब बिक रहे हैं उसके नाम पे। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब उसे जो जिस तरह से दिखना चाहे वो। फर्स्ट टाइम दाऊद इब्राहिम से आपकी बात कब हुई? दाऊद इब्राहिम से मेरी मुंबई आने के बाद में बातचीत हो पाई थी, क्योंकि मैं मुंबई तो 92 के जो थे उससे थोड़े समय पहले ही मुंबई आया था। और जब ये धमाके हुए और तमाम जो हालात बने, उसके बाद बहुत लंबा जो है एक वक्फा गया मार काट का, दंगों का और ये सब। तो 1992 की जो आपकी ये हुई थी बावरी डिमोलिशन, उसके बाद में दंगे हुए, उसके बाद 12 मार्च 1993 के हुए, और उसके बाद में जो भी कुछ है वो सिनेरियो दुनिया के सामने ही है। तो ये जब गतिविधियां हो चुकी और दाऊद जो है और उनके लोग जो हैं तमाम वहाँ से निकल कर के और पाकिस्तान चले गए थे, तो उससे थोड़े समय पहले ही उन लोगों से बातचीत होना शुरू हुई थी। और सबसे पहले तो छोटा शकील से बातचीत हुई, क्योंकि छोटा शकील किसी एक खबर को लेकर के बड़ा नाराज़ हुए और मुझे फ़ोन किया ऑफिस में। उनका दिन भर हालांकि फ़ोन चलते रहे कि वो विवेक अग्रवाल से बात करनी है, विवेक अग्रवाल से बात करनी है। दफ्तर में सब लोग परेशान कि क्या है, कौन है। हमारे एक बड़े यंग से हेल्पर थे, ऑफिस अटेंडेंट थे, तो वो बार बार उसका फ़ोन आता था। तो एक बार उसने बोला कि अरे विवेक अग्रवाल शाम को आते हैं, आपको बताया, आप शाम को ही फ़ोन करना, 6-7 बजे के बाद में आएंगे, आपको बात करा देंगे। तो बोले कि नहीं, मुझे ज़रूरी काम है, अभी बात कराओ। तो बोले कि अब अभी तो कोई बात करने का तरीका नहीं है, वो जब आएंगे तभी बात हो सकती है। उस ज़माने में कहाँ मोबाइल थे, कहाँ पेजर थे। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं फिर से फ़ोन करता हूँ। तो बोले आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने कहा छोटा शकील। तो उसने कहा मैं भारत का राष्ट्रपति बोल रहा हूँ। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, जो हमारे हेल्पर थे उन्होंने। तो वो भड़क गया, उसको बोला कि मस्खरी मत कर, मैं वाकई छोटा शकील बोल रहा हूँ। तो वो बेचारा डर गया। उसने हमारे एक जो संझा जनसत्ता नाम का अखबार भी साथ में आया करता था, तो उसकी भी टीम साथ ही बैठती थी, उनके न्यूज़ एडिटर साहब जो थे उनको फ़ोन दिया, और वो बेचारे घबरा गए क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ें हैंडल नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, आप है ना एक काम कीजिए, वो शाम को 7-8 बजे 7 बजे के आसपास आ जाता है, आप तभी बात कर लेना। फिर शकील का फ़ोन आया, मेरी बातचीत हुई काफ़ी देर, करीब 52 मिनट या कुछ 58 मिनट बातचीत हुई। उनकी नाराज़गी तो दूर हुई। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि शकील ने मुझे एक नंबर दिया दुबई का, और मुझे इत्तला दी कि ये नंबर जो है ये मेरे बेडरूम का नंबर है, ये नंबर बमुश्किल 4 या 6 लोगों के पास है, उनमें से अब आप एक शुमार हैं। जब भी कभी आपको ज़रूरत हो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, या तो मैं ही उठाऊंगा, और मैंने अगर नहीं उठाया तो मेरा एक कारिंदा उठाएगा, और मैं हिंदुस्तान दुनिया, माफ़ कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं 2 घंटे में आपको कॉल बैक करूंगा। उसके बाद सैकड़ों बार उस नंबर पे बातचीत हुई, और जब ज़रूरत होती थी तो उसी नंबर पे उनको फ़ोन करके और शकील से ही के ज़रिए दाऊद से बात कर ली जाती थी। तो ये सिलसिला चलता रहा, और 2015 तक मतलब ये मामला चला, जब तक कि मेरी पहली किताब मुंबई नहीं आ गई, और 2016 में मुंबई रिटर्न्स नहीं आई। 2015 में जब वो पहली किताब आई, तो उसके जो कवर पेज पे हमने कराची का उनका जो ताज़ा फ़ोटोग्राफ शाया किया था, छापा था, उस चीज़ से उन लोगों में बहुत नाराज़गी घर कर गई और उसके बाद में जो है वो एक रिश्ता जो है वो उस पर बर्फ़ जम गई है कहना चाहिए। तो बातचीत जो भी होती रही है वो अमूमन या कहना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ काम की बातों तक ही सीमित रही, उसके आगे पीछे दाएं बाएं नहीं कभी जा पाई। सर, दाऊद इब्राहिम बनने में एक जर्नलिस्ट ने हेल्प की थी, इकबाल नातिक नाम था, और दाऊद इब्राहिम के बारे में कई सारी वो स्टोरीज़ लिखता था और उसे हीरो जैसे बताता था, और करीम लाला पठान गैंग को थोड़ा ऐसा बताता था कि दाऊद से वो दबे हुए हैं, और उसका मर्डर होता है। उसके बाद दाऊद इब्राहिम और ज़्यादा खूंखार बन जाता है। ये क्या कहानी है? इकबाल नातिक जो है इनकलाब नाम का या कोई एक ऐसी अखबार वीकली चलाया करते थे, उर्दू का रिसाला था वो, और रहते भी उधर डोंगरी साइड में ही कहीं थे, यंग थे, और मतलब वो जो है पठान नहीं थे खुद भी, तो ऑब्वियस सा एक वो था कि पठान गैंग्स के साथ में उनका कोई कनेक्ट नहीं था। वो दाऊद के पेरोल पे नहीं थे, लेकिन ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, परंतु वो पठानों को पसंद भी नहीं करते थे, तो वो हमेशा जो है इस तरह की खबरें शाया करते थे, छापते थे कि दाऊद इब्राहिम जो है कौम का मुहाफिज है, या वो बहुत अच्छा इंसान है, या फलाना है, और ये लोग जो हैं ये बहुत बदकार हैं, ख़राब हैं, और ये सब चीज़ें इन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती थी, बड़ी बुरी लगती थी ये बातें कि अरे भाई तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम अंडरवर्ल्ड के पार्ट नहीं हो, तुम्हारा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तुम क्यों हमारे बीच में आते हो, तुम एक कलम नवीस हो, एक अखबार चलाने वाले आदमी हो, तो तुम अपनी वही काम करो, एक सहाफ़ी हो, पत्रकार हो, तो तुम वो काम करो। वो दाएं बाएं से अपने लोगों के ज़रिए उसके पास में मैसेज भेजा करते थे, लेकिन वो भी अड़ियल और ज़िद्दी बंदा था, वो मानता सुनता नहीं था, लगातार वो उनके खिलाफ जो है वो खबर करता था और इसके फेवर में खबर करता था। उनका ये कहना था कि भाई तू उसके फेवर में भी करता है कर, लेकिन हमारी मुखालफत मत कर, तो हमारे खिलाफ लिखता है वो गलत है, जो काम हम करते हैं वो काम वो भी करता है, अगर हम मारकाट मचाते हैं वो भी करता है, हम मांडवली करते हैं वो भी करता है, हम हफ्ता वसूली करते हैं वो भी करता है, तो उसमें अलग कुछ नहीं है, तो उसके कारण मैं डकैत और वो साधु संत है ऐसा नहीं है, तो तुम दोनों को एक नज़रिए से एक तराजू में तौल करके देखो, वो नहीं मानते थे। तो इकबाल नातिक को एक बार इन लोगों ने उसका अपहरण किया, उसको अपने एक ठिकाने पर ले करके गए, उसको बहुत टॉर्चर किया, चाकूओं से गोद गोद करके उसे मारा, और उसकी लाश जो है वो माहिम कॉस्वे में फेंक दी। तो ये सीधे सीधे से एक चैलेंज था, ये दुनिया को बताने की चीज़ थी कि भाई अगर तुम आलमजेब अमीरजादा और इन लोगों से अगर उलझोगे, यानी पठान गैंग से उलझोगे, तो तुम्हारी गति यही बनेगी। यहाँ पे मैं सारे दर्शकों को और आपके लिए भी एक बात क्लियर करना चाहूँगा, पठान गैंग का मतलब करीम लाला नहीं है। अच्छा, करीम लाला माइनस पठान गैंग है। ओके, ये एक गलत प्रेसिडेंस है, ये गलत बात कही जाती है कि करीम लाला पठान गैंग का हेड था या बॉस था, किंग पिन था, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, करीम लाला पहली बात तो ये कि उस तरह के ब्लडशेड में और बाकी चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते थे। क्या बात कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेट पे जो स्टोरीज मिलती है उसमें ऐसा बताया जाता है कि करीम लाला बहुत खूंखार एक डॉन था, उसे ब्लडशेड पसंद था। हाजी मस्तान के बारे में ये बातें नहीं होती, करीम लाला के बारे में ज़रूर होती है। तीनों उस वक्त के जो डॉन थे, जिनको कि मैं डॉन मानता ही बहुत मुश्किल से हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं हाजी मस्तान को तो डॉन मानता ही नहीं, वो तो सिंपली स्मगलर था, उसको तो डॉन मान करके आप गलती करेंगे। करीम लाला को एक लेवल तक आप डॉन बोलने के बदले में आप बाहुबली बोल सकते हैं, दबंग बोल सकते हैं। डॉन उस वक्त का अगर कोई था तो वो वरद राजन मुतलियार उर्फ वरदा भाई था, जो माटुंगा के एरिया में, माटुंगा का किंग, धारावी किंग, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करता था। उसका पूरे के पूरे 9 लोगों की टीम थी जो कि अलग अलग काम देखती थी। अब जैसे उसमें महालक्ष्मी पापामणि थी, महालक्ष्मी उर्फ पापामणि जो है उसका काम 2 था, कच्ची दारू और वैश्यावृत्ति, ये कमांड उसके पास थी। तो ऐसे उसके पास में कुल मिलाकर के 8 या 9 लोग थे जो कि वेरियस ऑपरेशन संभालते थे। ओके। और वो खुद जो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज के तहत और पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ में पूरा का पूरा वो अंडरवर्ल्ड अपना ऑपरेट किया करता था। तो असली अगर किसी व्यक्ति को उस वक्त का अंडरवर्ल्ड डॉन माना जा सकता है तो वो अकेला आदमी भरत राजन मुतलियार है। उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट आता है तो फिर अशोक जोशी हैं, बड़ा राजन हैं, ये वो दूसरी पीढ़ी आ गई। फिर तीसरी पीढ़ी जो है दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और बाकी सब चीज़ों लोगों की है। चौथी पीढ़ी में अगर आपको गिनना है तो आप चौथी पीढ़ी में जो डॉन वाली श्रेणी में आए हैं उसमें प्रसाद पुजारी, रवि पुजारी, सुरेश पुजारी, ये सब जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं जो आपके छोटा राजन गैंग से बाहर आए हैं या दाऊद गैंग से जो लोग बाहर आए हैं उनके कहानी मतलब जो है बाद में आती है। तो वो चौथी पीढ़ी ये है। चौथी पीढ़ी के बाद में अब 5वीं पीढ़ी नहीं है अंडरवर्ल्ड की। नहीं है, नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को आने नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि नया गैंगस्टर जो है वो पैदा नहीं हो पाया। बीच में एक उदय नाम का बंदा जो है पठानवाड़ी का, उसने कोशिशें की थी, उदय या संतोष कुछ नाम था उसका, पाठक, तो उसने खड़े होने की कोशिश की थी, हफ्ता वसूली के लिए फ़ोन, मर्डर की सुपारी लेने की कोशिश, ये वो, लेकिन पुलिस ने उसको बहुत प्रॉम्प्टली दबाया। तो उसके बाद से कोई भी नया गैंग खड़ा नहीं हो पाया है। तो अंडरवर्ल्ड जो है कि 5वीं पीढ़ी अब नहीं बन पाई है। राइट। पर सर दाऊद इब्राहिम, अब अगर कोई इनकी मतलब इसकी स्टोरी पढ़ता है या वेब सीरीज़ पे भी जो भी देखने मिलती है वो सब चीज़ें अगर कोई देखता है तो एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली समझ आती है कि ये चीटर था। मतलब ये डॉन नहीं था जब इसने स्टार्ट किया था। ही वॉज जस्ट अ पेटी थीफ बोल सकते हो या पेटी चीटर था कि वो जो मेलों में गेम्स खेलाते उस तरह के वो चीज़ें करता था, हरकतें करता था। वहाँ से डी कंपनी बनाना, दुबई तक पहुँचना, कराची तक पहुँचना, 93 के कराना, ये इतना बड़ा कैसे बनता गया? मैं बताता हूँ आपको। वो कहानी आपके पिछले सवाल के साथ में ही आगे बढ़ती है। इसमें जो हम बात करते करते थोड़ा सा बहक गए और मैं आगे चला गया। तो इकबाल नातिक को जो मारा उस चीज़ ने बौखला दिया दाऊद इब्राहिम को, और दाऊद ने बदले में इसके 2 लोगों को मारा। राइट। और जब उसके 2 लोगों को मारा तो सामने से फिर रिटेलिएशन हुआ, फिर मारकाट हुई। कायदे से अगर देखा जाए तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का जो पहला गैंग वॉर शुरू हुआ वो इकबाल नातिक के मर्डर से हुआ। ओके। एक जर्नलिस्ट के मर्डर से। एक जर्नलिस्ट के मर्डर से। और वो जर्नलिस्ट को मैं बहुत हद तक जो है वो एथिकल या एक अच्छा जर्नलिस्ट नहीं मानूंगा। फिर जो अगर पक्ष लेता है, साइड लेता है, तो वो मेरे लिए फिर वो जर्नलिस्ट जो है वो रोग जर्नलिस्ट है। वो ऐसा जर्नलिस्ट है जो अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं है। और ये जो ब्लडशेड स्टार्ट हुआ उस ब्लडशेड में बाद में जा कर के हालात ऐसे बने कि बहुत लोग मारे गए। तो इन लोगों को बुला करके और इनकी बाकायदा मीटिंग कराई वहाँ सऊदी में बुला करके हज पे, और कुरान शरीफ पे ये हलफ उठवाया, कसम खिलवाई कि भैया। ये हाजी मस्तान ने करवाया था। ये हाजी मस्तान ने करवाया था और करीम लाला ने, क्योंकि करीम लाला के भाई और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी मारा जाने लग गया, जबकि उनका कोई इससे लेना देना नहीं था। करीम लाला के एक भाई का भी मर्डर हुआ। ओके। जबकि वो इन दोनों की दुश्मनी का पार्ट थे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें उनको चिंतित करने लगी थी। तो इस कारण से उन्होंने मतलब ये इनिशिएटिव लिया कि भाई ये खून खराबा बंद हो। क्योंकि पहले तो बहुत सिंपल सा तरीका होता था। इन तीनों गैंग्स के बीच में कहीं किसी लड़के बच्चे ने कोई गड़बड़ कर दी तो डोंगरी का जो बाल सेवा सदन है या जिसको डोंगरी बच्चा जेल बोला जाता है, उसकी दरवाजे के पास में लेफ्ट में उसकी जो पत्थर की दीवारें हैं वहाँ पे आप आज भी जाएंगे तो शायद आपको वो 5-7 खूंटियाँ लगी हुई दिखाई दे जाएंगी, जिन पे मूंज की रस्सी या मतलब इसकी नारियल की जो रेशे होते हैं उनकी बनी हुई रस्सी की खाट जो होती है, चारपाइयाँ, वो टंगी रहती थी। ओके। और शाम के वक्त वहाँ पर करीम लाला आकर के बैठा करते थे और उस क्रॉस द रोड एक छोटी सी चाय की दुकान हुआ करती थी, वहाँ से उनके लिए कहवा बन के आता था और वो पिया करते थे। तो अगर किसी को भी कोई समस्या होती थी तो वहीं पे आते थे, तो एक्स्ट्रा चारपाइयाँ उतार करके नीचे लगा दी जाती थी, उस पर सतरंजी या दरी बिछा दी जाती थी, लोग बैठते थे। हाँ भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है, हाँ तूने क्या गड़बड़ की, हाँ आपने ऐसा किया, आपने वैसा नहीं किया, कोई बात नहीं है, तुम जो है इसका जो नुकसान हुआ है उसका इतना पैसा दोगे या ये करोगे, तुम ऐसा करोगे, आज के बाद में झगड़ा ख़त्म, तू इसके इलाके में मत जाना, तू उसके इलाके में मत जाना, चलो गले मिलो, हाँ भाई कब वाला हो। मतलब इतना आसान हुआ करता था, तब ब्लड शेड नहीं था, तब एक जाजम पे बैठ करके एक टेबल पे बैठ करके बातचीत हो जाती थी, मसले हल हो जाते थे। दाऊद ने आकर के जो है ना इसको बंदूकों के जोर पे कर दिया और उसने पूरी उसमें एग्रेशन बहुत था, जबकि उसका भाई जो है साबिर उसमें एग्रेशन बिल्कुल नहीं था, उसमें एग्रेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ओके, वो बहुत ही बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज़ का बंदा था, बहुत शांत, बहुत सोबर और बहुत कैलकुलेटिव। ये सोच करके चलता था कि मुझे ये काम कर रहा हूँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब क्या नफ़ा है क्या नुकसान है। उन चीज़ों के कारण जो है वो बहुत तेज़ी से गोल्ड स्मगलिंग में तरक्की करता चला गया था। लेकिन दाऊद का जो हार्श बिहेवियर था और उसकी जो तुरंत मारकाट मचाने की जो प्रवृत्ति थी, अटैक करने वाला जो वो था, जो एक कोबरा में होता है या एक चीते में होता है कि अगर उनको जरा सा भी खतरा लगा तो वो तुरंत पहले हमला कर देते हैं, वो हमला होने का इंतज़ार नहीं करते, वो चीज़ दाऊद में थी, हमलावर प्रकृति उसके अंदर बहुत हावी थी। और ये दोनों भाई बिल्कुल साउथ एंड नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करते थे, या उनका माइंडसेट था। और ये दोनों कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन डी कंपनी की थी, इन दोनों ने की थी। फाउंडेशन नहीं बोलूँगा डी कंपनी की, दोनों ब्रदर्स की, क्योंकि फाउंडेशन असल में डी कंपनी की हुई है दाऊद से ही। ओके, साबिर जो है कभी भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे ही नहीं। अच्छा, नेवर। साबिर जो है हमेशा गोल्ड स्मगलिंग में रहे, गोल्ड सिल्वर। उसके पहले साबिर और ये जो है दाऊद इब्राहिम, तो उसमें से दाऊद जो है वो आप जैसा बता रहे थे पेटी वर्क्स करता था, तो उन्हें वो ये चोरी चकारी ये वो सब नहीं करते थे ये लोग, ऐसे छिनैती वगैरह ये लोग जो है वो अल्टा पल्टी का काम किया करते थे। तो उसमें किसी को राडो की घड़ी दिखाई, हाँ। और फिर पुलिस की सीटी इनका ये आदमी बजाता था और वो जब हड़बड़ा के भागता था तो पत्थर या साबुन की टिक्की डाल करके और दे दी जाती थी, और वो जाके देखता था तो 2000 रुपये गए और साबुन पाया या पत्थर पाया, ऐसा हो जाता था। तो ये सारा सिलसिला उनके साथ चला करता था। बाद में इन्होंने जो है एक बड़ी डकैती डाली, तो वो डकैती जो है वो डालने के वक्त में ऐसा हुआ कि इनको मालूम था कि फलानी जो बंदा है एक मारवाड़ी व्यापारी, वो 5-6 लाख रुपए ले करके बड़ी मोटी रकम ले करके और जाता है बैंक में जमा कराने, तो हम इसको लूट लेते हैं। उसको उन्होंने लूटा था और वो जो मामला है वो बहुत बड़ा हो गया था और उसके कारण जो है दाऊद इब्राहिम को पहली बार जो है वो बड़े केस में सामने नज़र आया था। आपके ब्लॉग के मार्फत एक नई चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद इब्राहिम से पहला जो क्राइम करवाया था, वो क्राइम करवाने वाले व्यक्ति का नाम ही आज तक लोगों को नहीं पता है। अच्छा। और उस आदमी का नाम है हनीफ टेढ़ी मुच्छी। हनीफ टेढ़ी मुच्छी? टेढ़ी मुच्छी। क्या है ये, कौन है? वो उनका पूरा नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, वो भी रहा करते थे उधर ही, और हमेशा मैंने उनको बहुत बुज़ुर्ग दुबले पतले से ऐसे पाया, और ऐसे उनकी मूंछ जो थी यहाँ से ऐसे नीचे आकर के फिर ऊपर जाती थी, तो जिसके कारण उनको सब लोग हनीफ टेढ़ी मुच्छी बोलते थे, क्योंकि हनीफ तो बहुत है ना, जैसे सलीम बहुत हैं, तो सलीम, हर सलीम के लिए एक नया नाम है कि भाई सारे सलीम शेख ही 15 हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो नए नाम दिए जाते हैं इनको एक निकनेम के साथ में कि सलीम मच्छी, सलीम हड्डी, सलीम कुरला, सलीम कुत्ता, सलीम लंगड़ा, सलीम लंबू, सलीम टेढ़ा, मतलब ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और ये जितने नाम मैं बता रहा हूँ ये थे। हाँ। तो वैसे ही इनका एक नाम पड़ा सलीम, माफ़ कीजिए, हनीफ टेढ़ी मुच्छी। इन्होंने दाऊद और उसके 4-5 लड़कों को ले करके और कालबा देवी के जवेरी बाजार के एक बंदे को लूटा था। और उस लूट में करीब करीब 4-4.5 लाख रुपए के जेवर लूटे थे उस जमाने के। 4-4.5 लाख मतलब जो आज के समय में समझ लीजिए कि करीब 40 करोड़ हो गए। करेक्ट। हाँ। तो वो तो बड़ा खुश हो गया हनीफ तो। और हनीफ ने ये घटना पूरी की पूरी खुद मुझे प्रेस क्लब बॉम्बे में बैठ के सुनाई थी। अच्छा। हाँ, उन्हें पा गया था मैं किसी तरीके से, तो मैंने उनको बुलाया। तो बेचारे उस दिन उनकी तबीयत भी बड़ी नासाज थी, बड़े तंगहाल आए थे मेरे पास। काफ़ी उनको खांसी आ रही थी, काफ़ी कफ हो रहा था। तो वहाँ उन्हें गर्म पानी और काली चाय जो है नींबू अदरक की पिला पिला करके मैंने उनसे बातें की थी। तो करीब 1.5-2 घंटे बात की, फिर बहुत थकवा गए थे। तो फिर उनको मैंने कहा चलिए जाने दीजिए। फिर उसके बाद में वो शायद मुंब्रा शिफ्ट हो गए, उसके बाद उनसे संपर्क चला गया। तो उन्होंने बताया था कि वो पैसा जब हमने वो कर लिया तो तय रकम कुछ 10 या 20 हज़ार रुपये इनको दी। तो दाऊद जिद पे अड़ गया कि बोले साले सारा काम हमने किया, खतरा हमने मोल लिया और तू पूरा पैसा ले करके जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो दाऊद ने उसका हलक पकड़ करके उससे 1 लाख रुपए लिए थे। ये था दाऊद इब्राहिम, छोटा दाऊद इब्राहिम, बचपन का, मतलब युवा दाऊद इब्राहिम। दाऊद का जो पहला अपराध है जो लोगों की नज़र में नहीं है वो ये है। ओके। और यहाँ से दाऊद इब्राहिम को समझ में आया कि पावर क्या होती है, खौफ क्या होता है। उसके बाद में वो बंदा जो है डी गैंग का चीफ बना। उसके दुबई की यात्रा आपको पता ही है, वहाँ से हो लेकर के कराची तक की। तो ये सारी की सारी अगर उसमें एग्रेशन नहीं होता तो ये नहीं होता। राइट। और मैं डी कंपनी बनाने का श्रेय बिल्कुल साबिर को नहीं देता, ये एकदम मेरी तरफ से पत्थर की लकीर है। ओके। और इस टाइम पे अनीस कहाँ था? अनीस इब्राहिम, अनीस वगैरह ये सब बहुत छोटे छोटे थे। इन्हें हाफ पैंट और पजामे पहनने के शऊर नहीं थे, बच्चे थे ये सब। अच्छा। हाँ, तो जो बड़े भाई बोलते हैं बस उतना उनको मानना है, वो आज भी है। खैर आज तो माशाल्लाह सब नाना दादा हो चुके हैं ये लोग, लेकिन उस वक्त तो इन लोगों में कोई किसी में वो बूता नहीं था कि ये लोग कुछ करें। राइट। और दाऊद चाहता भी नहीं था कि ये लोग जो है अंडरवर्ल्ड में आए। पर आपने कहा कि करीम लाला के फैमिली को भी मारा गया था दाऊद के द्वारा, एंड उसी तरह से सेम शब्बीर को मारा गया था, शब्बीर इब्राहिम कास्कर जो उसका बड़ा भाई था उसे। और मन्या सुर्वे ने मारा था, पठान गैंग ने मन्या सुर्वे का इस्तेमाल किया था उसे मारने के लिए। एंड मन्या सुर्वे का मतलब कहा जाता है, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, वो जेम्स हैडली चेस की नॉवेल्स पढ़ के वहाँ से इंस्पिरेशन लेता था और उस तरह से री इनैक्ट करता था उन सीन्स को और मारता था। तो शब्बीर की जो मौत है ये आप बता सकते हो किस तरह से हुई थी? शब्बीर को इन लोगों ने ठीक उसी तरीके से ट्रैप करवाया था जैसे कि इसके पहले शब्बीर और दाऊद ने मतलब बेसिकली अमीरजादा या आलमजेब में से किसी एक को ट्रैप किया था। तो हुआ ये था कि उसकी जो प्रेमिका थी उसको फोड़ा, उससे पता किया कि वो उससे मिलने कहाँ आता है। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके लिए पहले से फील्डिंग लगा के रखी थी, लेकिन वो फील्डिंग जो है वो घर के बाहर उसको नहीं मार पाए, बिल्डिंग के अंदर घुस के या नीचे उतरते हुए, जैसे कि इसको अमीरजादा या आलमजेब में से, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनमें से किसी एक को मारा था। तो इन्होंने क्या किया कि उसके पीछे गए ये। तो वो जब प्रभा देवी के पेट्रोल पंप पे रुका पेट्रोल भरवाने के लिए, तब ये लोग वहाँ पहुँचे और तब तक वो जो उसकी प्रेमिका थी, अगर मैं नाम सही याद है मुझे तो शिल्पा नाम था शायद उसका, तो वो कार से उतर करके और बाहर आ गई और ये लोग आए। इन्होंने पिस्टल से उसके ऊपर 3 तरफ से घेर करके गोलियाँ चलाईं और साबिर को बिल्कुल बचने का मौका ही नहीं मिला, वो ऑन द स्पॉट मारा गया। और ये लोग सब वहाँ से भाग गए, वो लड़की भी गायब हो गई। कहानी कुल मिला के इतनी है। तो जो वो फिल्म में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में जो बताया था वो एग्जैक्टली उसी तरह से किया गया था। हाँ। Okay. फिल्मों में हमारे यहाँ पर या खबरों में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंडरवर्ल्ड के बारे में गलत बताई जाती हैं। वो तो मसाला ऐड करते हैं उसमें, मसाला ऐड करते हैं, अपनी जगह पर है। लेकिन जो खबरनवीस हैं, अखबारों के जो पत्रकार हैं या जो आपके पोर्टल्स के जो जर्नलिस्ट हैं या टीवी जर्नलिस्ट हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वो लोग अब आजकल इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च करते ही नहीं। जो मिल जाता है वो आए बाएं शाएं मतलब लिख देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि लोगों तक गलत सूचनाएं जाती है। राइट। अब जैसे दाऊद को सब लोग बोलते हैं कि वो ज़बरदस्त शराबखोर है, ठीक है, बहुत शराब पीता है, ये करता है वो करता है, जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक शराब वो पीता ही नहीं। हाँ, उसे सिगरेट पीने का शौक़ है। पहले वो 555 पिया करता था। दुबई जाने के बाद में खुद को एलिट क्लास में शुमार दिखाने के लिए उसने कार्टियर सिगरेट पीनी शुरू कर दी। वो आज तक उसका ब्रांड है। तो बहुत सारी ऊट पटांग बातें भी कही जाती हैं। राइट। जैसे इस्लाम है, उसमें हर तरह के नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है, मतलब या मना ही है, उसमें एक तरह से कुफ्र माना जाता है, शराब तो ख़ास तौर से उसमें। तो बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बड़े बड़े ड्रेडेड क्रिमिनल हुए हैं, जिन्होंने कि अपने वक्त में 100-150 मर्डर किए हैं, वो लोग लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाते, उसे कुफ्र मानते हैं, उसे गलत मानते हैं वो। तो ऐसा ही कमोबेश दाऊद के साथ में भी रहा होगा। धार्मिक कारणों से शायद वो शराब नहीं पीता होगा। राइट। कभी इस बारे में मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक आध जो जर्नलिस्ट जो उनके बहुत करीब रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे ये बात बताई है। उसको लेमन टी जो होती है वो पीने का बड़ा शौक है। लेमन टी का? हाँ, काली चाय जिसमें ताज़ा नींबू डला हुआ हो, वो पिया करता है। तो आप बैठ के उसके सामने 10 पैक शराब भी पिए, वो अपनी लेमन टी पिएगा। इस तरह की सी बातें हैं उनके बारे में कही जाती हैं। तो ये एक अलग ही किस्म की सी दुनिया है जहाँ जिसके बारे में लोग, जब उनकी रीच नहीं होती है वहाँ अंदर तक पहुँचने की, तो वो लोग कुछ भी बकवास लिखते हैं। राइट। जो भी हियर बाई से उनको पता चल जाता है, या जो भी पुरानी चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी हैं, या मनगढ़ंत बातें जो है लोगों ने पोर्टल्स में या वेबसाइट्स पे लिख दी हैं, उन्हीं को मतलब वो दोबारा तल करके आपके सामने थोड़ी सी नई गार्निशिंग करके और पेश कर देते हैं। राइट। ये एक गलत चलन है, ये बंद होना चाहिए। सर, हम बात कर रहे थे दाऊद, किस तरह से दाऊद बनता है, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो शब्बीर की मौत है, उसने भी वो, उसका भी बहुत बड़ा एक रोल था इसमें। इसके बाद क्या होता है? क्योंकि ये इसके बाद में पठान गैंग के कई सारे लोगों को मारता है, समद खान को शायद इसके बाद ही वो मारता है, एंड फिर वहाँ से एक जो मर्डर्स का सिलसिला शुरू होता है वो इस तरह से शुरू होता है कि वो रुकता ही नहीं, और फिर इसे देश छोड़ के भागना पड़ता है। जो फर्स्ट टाइम ये दुबई भागता है 86 में। तो क्या स्टोरी है पूरी? फिर देखिए, मैं बताऊं, दाऊद इब्राहिम जब छोटा था और साबिर के साथ में काम किया करता था ना, तो मुंबई में 3 भाई हुआ करते थे, ढोलकिया ब्रदर्स, जो तस्करी में काफ़ी बड़ा नाम हुआ करते थे, और उनके मुंबई में 3-4 होटल वगैरह भी थे, और बहुत कुछ उनका वो था। गिरगाम में उनकी एक दुकान हुआ करती थी बड़ी सी, जहाँ पर स्ट्रेचलॉन के कपड़े और ये सब तस्करी के आकर के टेरिकॉट, टेरेलिन वगैरह ये सब बिका करता था। तो दाऊद और साबिर जो है, उनके यहाँ से 2 ताका, जिसको कि यहाँ की आम भाषा में 2 बोझा बोलते हैं, एक बोझा यानी 1 ताका। 1 ताका जो होता है वो शायद 40 मीटर होता है। तो वो 2 ताका स्ट्रेचलॉन या कपड़े लेकर के जाते थे, और उसको कट पीस करके या थोड़ा सा ऊपर भाव लगा करके और बेच दिया करते थे, फिरा करके इनसे ले जाते थे। अरविंद ढोलकिया ने जब दाऊद इब्राहिम को देखा तो उन्होंने कहा कि ये लड़का किसी दिन अपने लिए और पूरे बम्बई के लिए खतरा बनेगा। अच्छा। ये धंधे के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो उसके भाइयों वगैरह ने, और उन्होंने कहा कि अरे इसकी औकात क्या है, चिरकुट सा लौंडा है, ये क्या कर लेगा, ये है वो है। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, उसी ने ये 3 भाइयों को मारा, जो और बोला करता था वो हमेशा कि क्या भाई, मैं तो 2 बोझे का आदमी हूँ, क्या ऐसा बोलने का, ऐसा मतलब इस तरीके की बातें वो बोलता था। लेकिन वक्त आया कि उसने इन लोगों को बोझा बना करके और अर्थियों पे बेचा। क्यों मारा? उनके साथ में मतलब जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर गया। फिर उनसे हफ्ता मांगा, उन्होंने देने से मना किया तो मार दिया। इट वाज दैट सिंपल। हाँ, इट इज अंडरवर्ल्ड, यही है। अंडरवर्ल्ड वो नहीं है कि जंगल नहीं है। शेर को जब भूख लगती है ना, तब वो प्रेडेटर होता है, तब वो जा कर के और अपने लिए शिकार मारता है। जब उसका पेट भर जाता है और उसके हिस्से का खाना जो है वो 2-4 दिन तक पेड़ पे लटका रहता है या कहीं पड़ा रहता है, उसकी मांद में होता है, तब तक वो शिकार करने नहीं निकलता। अंडरवर्ल्ड ऐसा नहीं है। अंडरवर्ल्ड की भूख हर वक्त कायम रहती है, वो हर वक्त अपने लिए शिकार खोजते हैं, और जब मौका मिलता है वो उसको मारते हैं। लेकिन वो उतना ही आसान है उनके लिए। एक मक्खी मच्छर को मार देने से ज़्यादा आसान है उनके लिए। करना क्या है, बिहार से बुलाइए लौंडे लपाड़े 5,000 10,000 20,000 में आते हैं, उनको एक हथियार दीजिए, जाएंगे और ठां करके गोली मारेंगे, निकल लेंगे। बहुत अधिक हुआ तो आपको 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें थी, अब जैसे अशोक जोशी है, डॉन था, मतलब कांजुरमार्ग का, और मतलब उसके नाम से लोग थर्राते थे, कोई खड़ा नहीं हो सकता था। और उस इलाके के जितनी मिल ओनर्स थे, ये सब वो सब थे, उसके नाम से मतलब बुरी तरीके से हैरान रहते थे। दाऊद का एक तरह से चैलेंजर ही था ये भी। चैलेंजर क्या था, वो तो बाप था दाऊद वगैरह, ये सब तो कुछ उसके सामने टिकते ही नहीं है। दाऊद के पहले जो है वो अशोक जोशी वगैरह ये सब सेकंड मतलब दूसरी पीढ़ी है ये अंडरवर्ल्ड की। आपके ये थे और 4-5 उस वक्त के बड़े मतलब वो जो लोग थे, दाऊद वगैरह, तो ये सब यंग थे, वो खड़े हो रहे थे उस समय में। तो उन्होंने मतलब इसको जो है दाऊद के मामला ऐसा उसके साथ में ठना कि इनकी जो आपस की मारकाट चल रही थी, उस मार्केट में अशोक जोशी जो है वो दूसरे पक्ष की तरफ से आया। तो इसने पहली दफ़ा मुंबई में AK-47 ले करके उसको घेर करके और हाईवे पे मरवाया। ओके। और उस कांड में शायद 6 या 8 लोग मारे गए थे। तो जो उसका ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने ही मुखबिरी की थी। तो ये लोग गए हुए थे करजत की तरफ। तो वहाँ से जब ये अपनी वैन में लौट रहे थे, तब वो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, गाड़ी छोड़ करके भागने लगा। अशोक जोशी को तुरंत तो ये चीज़ समझ में आ गई कि मेरे साथ में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उनने पहले उसको ड्राइवर को ठोक दिया पिस्टल निकाल के। लेकिन उनको कुछ उसके बाद करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो तो दड़बे में फंसे हुए चूहे या पंछी की तरह थे, और बाहर से आए हुए लोगों ने घेर करके उनको चारों तरफ से गोलियों से भून दिया था। उसके बाद में फिर दाऊद को कोई नहीं रोक पाया। दाऊद ने उसके बाद ऐसा कत्लेआम मचाया, मुंबई शहर का हर दरीचा, हर सड़क, हर दरवाज़ा उसने खून से रंग दिया। लोगों के मन में इतना खौफ बैठ गया था दाऊद इब्राहिम का कि अगर रात को 2 बजे भी किसी के घर पे फ़ोन चला जाए कि भाई ने बोला है इतना पेटी इतना खोखा देने का, तो वो मर झिक करके किसी भी तरीके से घंटा 2 घंटा में एक पार्ट उसका जो है एक EMI तो उसको वो हवाला करवा ही देगा। मतलब ये आलम हो चुका था। तो दाऊद ने इतने लोगों को मारा है उस समय में, और इसी चक्कर में उसकी जो है अमर नाइक से दुश्मनी हो गई, इसी चक्कर में अरुण गवली से दुश्मनी हो गई। तो ये लोग उसके एंटी गैंग बन गए। एक वक्त में उसका बहुत ही क्लोज बंदा रहा अली बुदेश, बहुत खास दोस्त हुआ करता था, वो उसका किसी कारण से दुश्मन बन गया। अली बुदेश की शायद अभी रिसेंटली डेथ हुई है। अली बुदेश, हाँ, मतलब 2022 में उनकी डेथ हुई है, 22-23 में डेथ हुई हार्ट अटैक से। उसका असल में बहुत ही छोटा, मतलब एक यंग ही कहना चाहिए बेटा था, 24-1 साल का या कुछ का, और वो पावर बिल्डर था, पावर लिफ्टर था। तो जिम में ही उसकी पावर लिफ्टिंग करते समय कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई थी, जिससे कि वो टूट गया पूरी तरीके से। हालांकि उसके पहले उसको बहुत सारी बीमारियां हो चुकी थी, वो क्रॉनिक डायबिटिक था। एक वक्त ऐसा आया था कि वो जिंदा बचेगा भी कि नहीं पता नहीं था, क्योंकि उसकी डायबिटीज़ जो है 850 पहुँच गई थी। मतलब उसको यूरिन से भी पस जाने लगा था, ऐसी हालत थी। करीब 6-8 महीने वो हॉस्पिटलाइज रहा और बहुत मुश्किल से रिकवर होकर बाहर आया था। पर अली बुदेश दाऊद के साथ में भी पहले काम कर चुका था ना। हाँ, मतलब अली बुदेश का कैसा है कि वो ब्लड शेड वगैरह ये वो सब उस समय में नहीं किया करता था, लेकिन काम किया करता था। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो आपके खाड़ी देश हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए उसने लोगों को मैनेज करने का और मैनेजमेंट का काफ़ी सारा अच्छा काम किया, और काफ़ी सारी चीज़ों में वो बड़ा उस्ताद था। एक तो बहुत समझदार था, पढ़ा लिखा भी था, थोड़ा अंग्रेजी वगैरह भी ठीक ठाक जानता ही था, अच्छी जानता था। तो बातचीत करने में सोफिस्टिकेटेड था, रहने में मतलब ठीक ठाक था, 3-पीस सूट पहनना, ये सब वो सब बातें अच्छे से करना, एक बिजनेस होंको जिसे बात करता उस तरीके से उसके बिहेवियर थे। तो उसके कारण क्या है कि उसने, और बहुत मीठा बोलता था, तो उसने काफ़ी अच्छा अपना रिलेशनशिप बिल्डअप किया था। उसका PR बहुत कमाल का था। तो मतलब उसको मुझ तक पहुंचना भी था, तो वो मेरे तक सीधे नहीं पहुंचा। पहले उसने अपना एक पंटर भेजा, फिर पंटर के ज़रिए उसने अपने इंडिया ऑपरेशन हेड से मेरी मुलाकात करवाई। इंडिया ऑपरेशन हेड, हाँ। ओके। एक शर्मा नाम का बंदा हुआ करता था जो अपना कुछ और फर्जी नाम बताया करता था, वो बाद में मुझे पता चला कि वो शर्मा है और मूल रूप से मारवाड़ी राजस्थान का है। उसका असली नाम तो मैंने पहले दिन ही मीटिंग में वो कर लिया था, उसने मुझे कुछ फर्जी नाम बोला, लेकिन चूंकि उसने एक अंगूठी पहनी हुई थी सोने की जो डायमंड स्टडेड थी, और उन डायमंड से एक इनिशियल लिखा हुआ था, उसमें आर लिखा हुआ था, तो वो उसकी वजह से मैंने उसका नाम गेस कर लिया था। तो वो बड़ा मतलब इस चीज़ से प्रभावित हुआ था, और उसके बाद में उसने मुझे काफ़ी हेल्प की टू गेट इनसाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, राइट। तो फिर उसके बाद में उसके ज़रिए जो है वो अली से भी बातचीत हुई, किसी और एक व्यक्ति के ज़रिए भी अली से बात हुई। तो जो दो मतलब एक ऑथेंटिक सोर्सेस के थ्रू बात हुई, तो अली का भी वो काफ़ी एक अच्छा नेटवर्क मिल गया। फिर अरुण गवली के गैंग में भी चंदू भाई के कारण मतलब नेटवर्क अच्छा मिल गया। चंदू भाई जो हैं वो सो कॉल्ड मतलब एक कहा जाता है कि वो उनके चाचा रहे हैं, और चाचा थे नहीं, उस इलाके के ही मतलब बुज़ुर्ग थे, और ये कहा जाता है कि बचपन से गवली जो है उन्हें अरुण गवली बहुत पसंद किया करता था और उनसे काफ़ी क्लोज था, तो इसलिए सब चंदू काका ही बोलते थे। और चंदू काका ने मुझे बहुत हेल्प की टू गेट इनटू दिस सेगमेंट ऑल्सो। तो ऐसे हर गैंग के अंदर घुसने के लिए कोई ना कोई मुझे चैनल मिलता गया, और दीवानगी थी, पागलपन था एक, वो किया। तो ये पूरा का पूरे गैंग्स इसी तरीके से बने, और दाऊद जो है अगर उसने वो ब्लडशेड्स नहीं किए होते तो दाऊद नहीं बनता। राइट। सो 25 अगस्त 1994 रामदास नायक की मौत होती है। बीजेपी के ऐसे कहा जाता है कि अगले सीएम वो बनते अगर वो जिंदा होते। फर्स्ट टाइम कलशनिकोव से किसी की हत्या की गई थी और छोटा शकील ने कराई थी, क्या कहानी है ये? AK-47 तो मैंने बताया ना अशोक के वक्त में यूज़ हो ही चुका था, उसके बाद में तो आपके इसमें भी इस्तेमाल हो चुकी थी, जे हॉस्पिटल शूट आउट में भी AK-47। हाँ, उसमें बच्ची पांडे था, आपके सुभाष सिंह ठाकुर था, बहुत सारे लोग मतलब एक्यूज्ड की संख्या ही उसमें 60-65 थी। उस पर भी हम आएंगे इसके बाद वापस। तो वो तो शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, 80s में ही शुरू हो गई थी। इनका मर्डर तो 90s में हुआ है, तो इनको तो बस कार से ये बिल्डिंग के बाहर आए और वहाँ पे टर्र चली और ख़त्म हो गया। क्यों मारा गया था? असल में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल, ओके, और दूसरा जो उसके पीछे का असली कारण है वो लोगों को नहीं पता है। क्या? वो मैं आपको बताता हूँ। जो रामदास नायक साहब थे वो बेसिकली उभरे थे बहुत निचले स्तर से, और कारपोरेटर हुआ करते थे। कारपोरेशन में काम करते करते उन्हें ये समझ में आ गया था कि बिल्डर्स जो हैं वो किस तरीके से गड़बड़ियाँ करके बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वो उनका गला दबा करके और बड़ी मात्रा में उनसे चंदा वसूली करते थे। और वो जो चंदा वसूली होती थी तो करीब करीब 400-600 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो पार्टी फंड में जाया करता था उनके थ्रू। बहुत सारे बिल्डर जो है उनसे बहुत परेशान हुआ करते थे। एक जमीन थी बांद्रा की जिसको ले करके वो बंदा अड़ गया, सैकड़ों करोड़ का जमीन, और उस पे को रीडेवलप करने के लिए हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट उस जमाने में 90s में। तो इन्होंने वो 4 पार्टनर थे, उस जगह का नाम या उन पार्टनर्स के नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन उन चारों पार्टनर्स को उन्होंने थ्रेट किया कि भाई आप लोग ये करना चाहते हो, ये सारे जो नक्शे वक्शे आप लोगों ने भेजे हैं ये सब इसमें झोलझाल है, तो ये पास नहीं होंगे आपके। और उन्होंने ऑफिशियली उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी। वो लोग इस बात से इतना परेशान हुए कि यार ये आदमी हर एक को तंग करता है, तो उन्होंने उठा करके दाऊद को की सुपारी दे दी, और इस तरीके से ये जो प्लान है एग्जीक्यूट हुआ उन्हें एसेसिनेट करने का। तो कहानी ये जो कही जाती है ना कि वो हिंदू मुस्लिम एंगल था, वो असलियत नहीं है, राइट। असलियत वो है कि वो भी एक सुपारी किलिंग थी और एक बिल्डर ग्रुप के द्वारा करवाई हुई थी। ओके, तो ये जो हिंदू मुस्लिम एंगल है ये तो मुझे मतलब छोटा राजन वाले वो केस में भी मुझे नहीं लगता कि वो है, वो कवर स्टोरी हो सकती है, छोटा राजन ने खुद ने बनाई हो सकती है पीआर के लिए, बट सच क्या है इसका? जब छोटा राजन दुश्मन बनता है दाऊद का आफ्टर 93 ब्लास्ट, क्या रीजन से वो दुश्मनी होती है? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक देशद्रोही डॉन है, एक देशभक्त डॉन है, ये क्या चीज़ है? डॉन डॉन होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसकी कोई दूसरी कैटेगरी नहीं होती, उसकी कोई जात, धर्म, देश, समाज और कुछ नहीं होता है। हाँ, मानवीय पहलू, मानवीय पक्ष उनके देखे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से आप नज़रअंदाज कर लें, लेकिन ये सब बातें जो है ना, ये बकवास है। कुछ लोग होते हैं जो वाकई दिल से बहुत अच्छे होते हैं और वो वाकई गरीबों की मदद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए ये काम करते हैं कि भाई गरीबों की मदद करो, तो उसमें से आपको रिक्रूट भी मिलेंगे, राइट, और उसी से आपके लिए एक सेफ्टी नेट तैयार होगा। जो दाऊद ने या बाकी सब लोगों ने किया, उसमें ये कोई देशभक्त और देशद्रोही वाला मामला नहीं था। क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, सिंपली आपने एक्स को मारा, वाई को मारा, ए बी सी डी को मारा, वो मर्डर है, राइट। वो राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, वो मानवता के खिलाफ अपराध है। आप किसी को पैसों के लिए मार रहे हैं जो कि आपका पैसा नहीं है। ये नहीं है कि आपने दिया और उसने वापस नहीं किया तो आपने मार दिया, चलो वो वजह समझ में आती है। आप उससे एक्सटॉर्शन कर रहे हो, हफ्ता वसूली कर रहे हो, और वो नहीं देना चाहता क्योंकि हार्ड एंड मनी है उसकी, तो वो क्यों आपको दे और आप उसको मार रहे हैं, तो ये गलत है, हर स्तर पे गलत है। लेकिन आपने किया ऐसा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बम ब्लास्ट करने से दाऊद इब्राहिम को जो पेंट किया कि वो राष्ट्रद्रोही है, ये सब वो सब है, वो वहाँ तक भी ठीक है। छोटा राजन का जो दुराव अलगाव हुआ है, वो गैंग के ऑपरेशंस में उसकी धीरे 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 जो है ना ज़रूरत काटते गए हैं लोग। और दाऊद के बाद में अगर कोई डिसीजन मेकर था तो वो राजन था। दाऊद जो है वो उतना अच्छा प्लानिंग करने वाला आदमी नहीं था, वो उतना अच्छा प्लानिंग नहीं कर सकता था। राजन जबकि बहुत बढ़िया प्लानर था। जितने भी उस वक्त के मर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं या बड़ी हफ्ता वसूली हुई है, सुपारी या किलिंग्स हुई हैं, वो सारी की सारी जो है वो राजन ने एग्जीक्यूट की है। जब हसीना पार्कर के खाविंद का मर्डर होता है, पार्कर का, तो उसका बदला लेने के लिए दाऊद बेचैन हो जाता है। दाऊद बोलता है राजन से कि ये काम कर। राजन जो है वो अपनी टीम बनाता है और एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान को तैयारी कर रहा होता है। इस टीम में बंटी पांडे भी होता है, बंटी पांडे भी था और भी काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन वो लोग जानते थे कि अगर उन्होंने जे अस्पताल पे डायरेक्ट अटैक किया तो वहाँ पे बहुत तगड़ी पुलिस प्रोटेक्शन है, वहाँ पे अगर गए तो ब्लड शेड होगा और उस ब्लड शेड में कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे, हो सकता है पुलिस मारी जाए। और पुलिस का मारा जाना जो है, बॉम्बे पुलिस कभी भी उसको सीधे तौर पे नहीं लेगी और बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन आएगा, क्योंकि बॉम्बे पुलिस की प्रोफेशनलिज्म से तो सब वाकिफ हैं ही। बॉम्बे पुलिस के जो बदला लेने की जो नीयत और नीति है ना, उससे भी सब वाकिफ हैं, वो बख्शते नहीं है फिर किसी को। मुंबई पुलिस की एक बहुत बुरी आदत रही है और अब नहीं बता सकता कि अब कितनी है, क्योंकि अब लीडरशिप उस क्वालिटी की बची नहीं, उस वक्त थी। तो उन्होंने ये कहा कि इसको थोड़ा सा रुक करके ऐसा टाइम देखते हैं जब उनको कहीं जेल लेके जाएंगे या कहीं हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे या कुछ करेंगे, ऐसा कुछ होगा तब उनको मारेंगे, तो कोर्ट लेके जाएंगे जब। तो छोटा शकील ने दाऊद को भड़काना शुरू किया कि भाई वो हिंदू है, भाई वो ऐसा है, भाई वो ऐसा है, इसके कारण वो नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उस चीज़ के कारण जो है दाऊद ने कहा कि जा तू कर दे। इसने आनन फानन बंदे इकट्ठे किए, भेजे, वो हुआ और उसका रिपरकेशन बहुत बुरा आया। 60-65 लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे फिर एनकाउंटर्स हुए, शुरू एनकाउंटर्स उसके बाद से हो गए थे और दाऊद को बहुत नुकसान हुआ उस जल्दबाजी में हुआ ऑपरेशन से। राजन को जब ये चीज़ पता चली तो उसने दाऊद से कहा कि आपने ये क्या किया। दाऊद के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो पहली दरार थी जो पड़ी थी रिश्तों में। जो विश्वास का रिश्ता होता है ना, पति पत्नी के बीच, दो दोस्तों के बीच, माँ बाप जो हैं बेटे बच्चे उनके बीच, एक प्रेमी प्रेमिका के बीच, वैसे ही बिजनेस में, अंडरवर्ल्ड में भी दो लोगों के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है, तभी वो चलता है। ये रिश्ता में पहली तड़कन उस दिन आई थी और उसके बाद में कई ऐसे मसले हुए, कई ऐसे मसाइल सामने आए जिसमें राजन को साइडलाइन करके और काम हुए। जब 93 ब्लास्ट करने की बात आई तो राजन को पूरी चीज़ से बाहर रखा गया। अच्छा, राजन को पता ही नहीं चलने दिया कि इस तरह का कुछ होने जा रहा है, और राजन को कुछ भनक लगती भी थी और वो कभी इसके बारे में बात करने की कोशिश भी करता तो सब लोग ना नुकुर करके टाल टूल करके हट जाते थे। पर बाहर रखा क्यों गया इसे? क्योंकि हिंदू था। अच्छा, और वो क्यों मतलब गैंग के उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन जब उसे ये चीज़ पता चल भी गई होगी, जहाँ तक कि मेरी इन्फॉर्मेशन है उसे पता चली थी और उसने दाऊद के सामने इस बात के लिए डिस्प्लेजर शो भी किया था, तो दाऊद ने कहा था कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम इस बीच में मत बोलो। और मुझे लगता है कि ये लास्ट नेल ऑफ द कफिन थी कि भाई ये तो चीज़ गलत हो रही है और इससे पूरी की पूरी गैंग ख़त्म हो जाएगी और सब खत्म। और वो हुआ भी। 93 ब्लास्ट के बाद में जो उतार आया है वो तो दुनिया ने देखा है। ये अंतिम उसके जो मसला हुआ वो ये हुआ कि ये लोग सब साथ में खाना खाने बैठा करते थे। एक दिन ये लोग बैठे हुए थे, उसमें नूरा ने कुछ या अनीस ने किसी ने राजन के ऊपर कोई फप्ती कस दी, इसने उसको तमाचा मार दिया। जिस हाथ से वो खाना खा रहा था उसी से तमाचा मारा था, उसको धोया भी नहीं, नीचे आया, अपने बंदों को फ़ोन किया कि मेरा पासपोर्ट, जितना कैश और 2 कपड़े ले करके फलानी जगह पहुँचो। वहाँ से उनसे वो लिए, उधर से वो सऊदी या बहरीन कहीं गया, वहाँ से उसने सीधे फ़्लाइट पकड़ी और फिर गायब हो गया। असल में अलगाव यहाँ हुआ, इस वजह से हुआ। ये कहानी जो है ये डी कंपनी के अंदर से ही छन कर रिस कर आई है। पर छोटा राजन और छोटा शकील ये डी कंपनी में शामिल कब होते हैं? दाऊद के साथ कब मिलते हैं ये पहली बार? तो बहुत पहले से ही थे। ओके, हाँ, काफ़ी समय से। मतलब शकील तो खैर पहले से ही था क्योंकि ये लोग सब एक ही इलाके के थे, तो डोंगरी और उसके आसपास के इलाकों के, तो वहाँ पे इन लोगों का तो अपना पहले से ही ग्रुप बन गया था। उसमें लंबू शकील था, उसमें शकील छोटा शकील था। उस वक्त में बाद में एक लड़का और जुड़ा जो कि शकील था, जिसने कि छोटा शकील के नाम से फ़ोन करके लोगों को धमकियाँ देनी शुरू की, तो उसका नाम खोटा शकील पड़ गया। और ऐसे बहुत सारे लोग थे। फिर उसके इसी दरमियान जो है ये सहकार सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक करने वाला छोटा राजन जो है वो बड़ा राजन के कारण हाइट पकड़ चुका था, और दाऊद को पता चला कि ये मेरे इतने काम का आदमी है, तो उसको अपने साथ में जोड़ लिया था। और साथ जुड़े तो ऐसा जुड़े कि मतलब याराना हो गया, दोस्ताना हो गया, बहुत ही मोहब्बत हो गई, एक भाईचारा हो गया। और यहाँ तक हुआ कि जब राजन की सुजाता निखालजे से शादी होनी थी, तो सुजाता की शादी जो है दुबई में थी, तो दुबई में शादी कैसे हो, वहाँ तो पंडित भी नहीं मिलता, और न ही वो जो मराठी मतलब वैदिक रीति के विवाह में जो ये लगाया जाता है सेहरा वो मिलता है। तो वो कहीं कहीं से कैसे कैसे जुटाए गए, कहीं से पंडित इकट्ठा जमा करके लाया गया और फिर इस तरीके से उनकी शादी हुई वहाँ पे दुबई में। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद कन्यादान दाऊद ने खुद किया था। अच्छा, हाँ, तो उसकी शादी की तस्वीरें भी बड़ी अखबारों में और सब छपी हैं पत्रिकाओं में उस दौर में। तो ये बड़ी ही मतलब एक विचित्र सी जिंदगी थी उन लोगों की, और बहुत खूबसूरत एक रिश्ता बना हुआ था। वो रिश्ता जो है प्रोफेशनल राइवलरी के कारण जो है वो डिट्रॉयट हुआ, ख़राब हुआ। कुछ लोगों की ये जलन कि मेरे से ज़्यादा बड़ा हो गया, ये भाई का ज़्यादा करीब हो गया, ये उस कारण से उन लोगों ने कान भर भर के दाऊद को इसके खिलाफ खड़ा कर दिया। और दाऊद वो आदमी है जो कभी भी अपने जूते में दूसरे आदमी को पाँव नहीं डालने देता। उसका उसे जो है अपने कद के बराबर छोड़िए, अपने कद के आसपास तक फटकने नहीं देता, उसके पहले उसे खत्म करता है। तो अगर राजन कुछ और समय वहाँ पे टिका रह जाता तो मारा जाता है। उसने बहुतों को मारा है। अभी रिसेंटली जैसे भरत नेपाली को उसने कराची बुला करके मारवा दिया, ऐसा कहा जाता है। तो है वो, ये नेपाल के पॉलिटिशियन थे? नहीं, वो मिर्जा दिलशाद बेग था। वो अलग है। भरत नेपाली हमारे यहाँ का भरत नेपाली नहीं, माफ़ कीजिए, आपके फिरोज कोंकणी। ओके, फिरोज कोंकणी को नेपाल यहाँ पाकिस्तान बुला के, कराची बुला करके मारा उसने। तो क्योंकि वो बहुत नाराज हो रखा था और बहुत उल्टा सीधा बोल देता था। फिरोज कोंकणी जबकि दाऊद इब्राहिम से सीनियर था, लेकिन उसके लिए काम जो है वो सुपारी किलर का करता था। तो उसे रास नहीं आता था कि उसके साथ में कोई भी ऐरा गैरा बंदा बदतमीजी करे, कुछ करे, या उसको पैसे नहीं मिलते थे तो वो नाराज होकर के गालियाँ दे देता था। राइट, ये सब उसकी प्रॉब्लम्स थी। पर सर ये दाऊद 86 में भारत छोड़ के जाता है, ये दुबई पहुंचता है। 86 के बाद में 93 के ब्लास्ट होते हैं मुंबई में। ये बीच में क्या हुआ, इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ किस तरह से बना और कब बना? 93 ब्लास्ट के पहले 92 के जो दंगे हुए थे, उस दंगे से मुस्लिम कौम जो है वो बहुत बुरी तरीके से आहत हुई थी। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जो हिंदू पक्ष है वो उनके ऊपर भारी पड़ा था और बड़े पैमाने पे मुस्लिम कम्युनिटी का कत्लेआम हुआ था। तो उसमें एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल थी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो और कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। कांग्रेस का शासन था, पूरा महाराष्ट्र जो है एकदम पंगु हो गया था और मुंबई में शूट एट साइट ऑर्डर्स थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मारकाट मच रही थी। तो कुछ नाराज मुस्लिम औरतों ने जो है वो टूटी हुई चूड़ियाँ जो हैं वो दाऊद को भेजी कि तुम मतलब अब ये हो, और कुछ चूड़ियाँ जो थी कि तुम चूड़ियाँ पहन लो टाइप का, ऐसा कुछ दो कहानियाँ अलग अलग कही जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो कहानी वही सही है कि उसको चूड़ियाँ भेजी कि तू चूड़ी पहन ले, अब किसी काम का नहीं है, औरत हो गया। तो वो किसी के लिए भी बड़ी बेइज्जती की बात होती है, लेकिन दाऊद करता तो क्या करता वाली बात थी। आईएसआई जो है अपनी तरफ से एक नया ही मंसूबा, एक नया ही प्लान तैयार कर रही थी। उन्हें देश में कुछ बड़ा करवाना था। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा वक्त है, मुंबई में सारा कांड हुआ है, मुंबई में हम ऐसा कुछ करते कराते हैं तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पर कुछ बड़ा वो करवा पाएंगे और देश को जो है काफ़ी नुकसान होगा और भारत जो है उसका कारोबार पूरा ठप हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकल जो हमारी कैपिटल है वो तो मुंबई है। तो जब वो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इतनी जगह पे ब्लास्ट करेंगे, इतने लोगों को मारेंगे, इतनी जगह पे हॉस्टेज क्राइसिस करेंगे, ये सब होगा, लेकिन उसके लिए आदमी चाहिए, जगह चाहिए जहाँ IEDs बन सके, ट्रेनिंग करने के लिए लोग चाहिए जो ट्रेनिंग करके जा कर के और फिर वहाँ IED बनाएं, प्लांट करें, ब्लास्ट करें, गनिंग करें, ये सब वो सब। तो वो चीज़ कैसे हो? फॉरेन मिशनरीज जो हैं उनको भेजना इतना आसान काम नहीं था। कश्मीरी जो टेररिस्ट हैं वो तो तुरंत पहचान में आ जाते हैं बंदे वहाँ के कि अरे ये तो ऐसा गोरा चिट्टा स्मार्ट कामदेव का अवतार दिखने वाला आदमी कश्मीर का ही होगा, वहाँ का हर लड़का बच्चा वैसे ही दिखता है, तो आप बड़ा मतलब उन पे संदेह हो जाता है तुरंत। तो उन लोगों ने सबसे पहले जो है टाइगर मेमन से संपर्क किया। टाइगर मेमन जो है उन दोनों पाकिस्तान का जो एक ड्रग लॉर्ड था, तस्कर था, उसके साथ में ड्रग्स की तस्करी किया करता था। तो उस बंदे को ले करके ये लोग दुबई गए टाइगर से मिलने। टाइगर से मिले तो टाइगर था, वो दाऊद से 1000 गुना ज़्यादा एग्रेसिव और बददिमाग इंसान रहा है। उसने फ़ौरन ये बात पकड़ ली, उसने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, साला कौम का बदला लेना चाहिए हमें। फिर उसने शकील को कनेक्ट किया। शकील ने कहा कि बिना बड़े भाई को बताए ये काम नहीं हो सकता, तुमसे मिलना पड़ेगा। तो इनका एक मेजर और 2-3 और ऑफिसर, मतलब कुल 4 लोग, टाइगर मेमन और शकील और वो जो पाकिस्तानी ड्रग लॉर्ड था, वो ये 6-7 लोग जो है जा कर के दाऊद से मिले। दाऊद जो है उसके बाद में सामने रखी गई योजना कि हम वहाँ कुछ करना चाहते हैं, कौम का बदला लेना चाहते हैं। दाऊद ने कहा कि ठीक है करो। दाऊद के बैक ऑफ माइंड में शायद वो चीज़ होगी ना, चूड़ियों वाली। उसके बाद में इन लोगों ने अपना काम करना शुरू किया। दाऊद को नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आईएसआई ने सारी योजनाएं बनाई, शकील ने आदमी जुटाए, टाइगर ने अपनी व्यवस्थाएं देखी, आदमी जुटाए, जगह कहाँ रखने हैं, हथियार आएंगे तो कहाँ रखा जाएगा, विस्फोटक ये वो, और अपने ही घर में उसने IED बनाने के लिए जगह उपलब्ध करवाई। माहिम में जो उसका घर था, याकूब मेमन ये वो सब पूरा परिवार वहीं रहता था, उसके वालिद साहब वालिदैन जितने थे और सब थे। तो धीरे 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 ये योजना बनती रही। 4-6 महीने में इसने मतलब शेप लिया और वो फिर उसके बाद में ब्लास्ट हुआ। एक बात बताता हूँ कि मुंबई पुलिस की नाकाबिलियत, नाकारापन, मूर्खताएं और समय पे एक्ट न कर पाने की समझ की वजह से ये 93 का ब्लास्ट हुआ। नहीं होता, एक बार इनके घर के बाहर एक तैयार स्कूटर जिसमें आईडी फिक्स था उसमें फायर हुआ, एक हल्का ब्लास्ट हुआ और धुआं उठा। तो किसी ने माहिम पुलिस थाने को सूचना दी, वहाँ से एक कांस्टेबल भेज करके और उसको बोला गया कि जा पता कर। वो आया, उसने देखा, अरे साहब कुछ नहीं, वो स्कूटर में जो है ना कुछ पेट्रोल में आग लग गई होगी, बस उसका मामला है। उन लोगों ने अगर वो चीज़ सीरियसली ली होती, उसको इन्वेस्टिगेट किया होता, तभी उन्हें अंदर स्कूटर के आईडी मिल गई होती, उस पर आरडीएक्स के ट्रेसेस मिल गए होते और वहाँ से वो अरेस्टिंग और ये सामान की बरामदगी शुरू हो गई होती और 93 ब्लास्ट नहीं होता। तो मूल रूप से दाऊद इब्राहिम का गैंग, छोटा शकील, टाइगर मेमन, ISI जितना उस कांड के लिए जिम्मेदार हैं, 50% उसके लिए जिम्मेदार हमारे यहाँ की पुलिस भी है। पर RNDW या IB इन्हें कभी कोई खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ प्लान हो रहा है? हमारे यहाँ पे ये सो कॉल्ड जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ना, इनसे ज़्यादा मतलब आलसी और कामचोर लोग मैं किसी को नहीं मानता। अच्छा, ऐसे दर्जनों IB और रॉ के ऑफिसर्स हैं जो हमसे इन्फॉर्मेशन ले जा करके और सबमिट किया करते थे। Okay. ये लोग जाते हैं अखबार के पत्रकारों से, पॉलिटिशियन से, इनसे उनसे मिलते हैं, उन 2-4-6 कोई खबरी हैं तो उनसे मिलते हैं और जो वो किस्सा गोई कर देते हैं वो ले जा करके रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये तो मूर्खताएं चल रही थी उन दिनों, बहुत ख़राब हालत थी हमारी इंटेलिजेंस की। कुछ थे अच्छे ऑफिसर्स जो काम करते थे, लेकिन अधिकांश की हालत वैसी थी। फील्ड ऑफिसर का काम होता है फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करना, इंटेलिजेंस करना, स्पाइंग करना, इन्फॉर्मर्स क्रिएट करना, उनके ज़रिए इन्फॉर्मेशन ला करके और डिसेमिनेट करना, जिस जो कि टॉप लेवल तक जाए, उनकी लीडरशिप तक जाए और वो उसको जांच करके, उसका विश्लेषण करके और फिर उसके बाद में नीचे ऑर्डर्स दें, जिस भी पुलिस को देना है, एजेंसी को देना है, DRI को, कस्टम्स को। कुछ नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में चांदी के नाम पर सैकड़ों किलो आपका RDX आ जाता है, 10-20 जो हैं वो आपके गन्स आ जाती हैं कि 56 और 10-15 हज़ार गोलियां आ जाती हैं उनकी। और कस्टम ऑफिसर्स भी जो हैं उनको चांदी की जो 5-5 किलो की सिल्लियां होती हैं वो बतौर ब्राइब जो दे दी जाती है श्रीवर्धन कोस्ट के वहाँ से जब बाहर आते समय, और वो लोग खुश हो जाते हैं। ये तो आलम था, सिस्टमैटिक फेलियर था। हाँ, मतलब सिस्टम फेलियर तो था ही था, इंटेलिजेंस का भी फेलियर था, इंटेलिजेंसिया का भी फेलियर था, तीनों ही फेलियर थे। ये आपने अपने यहाँ पर करप्शन के ऊपर लगाम ही नहीं लगाई। राइट, आपने चलो 100 में से 80 बेईमान होंगे, 20 तो आप ईमानदार मतलब होने चाहिए था आपके यहाँ, वो भी नहीं। तो उसका नतीजा इतना बड़ा मानवता के खिलाफ अपराध हुआ। ये है कुल मिला के बमकांड की कहानी। राइट, ये तो सेम हम फिर 26/11 में भी देखते हैं कि किस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर था। उसके बारे में एक सेपरेट पॉडकास्ट हम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी डिस्कस करने के लिए। मैं उसमें सिर्फ इतना बता देता हूँ आपको, वो इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था, वो इंटेलिजेंसिया का फेलियर था, वो लीडरशिप की फेलियर थी, वो हमारे पॉलिटिशियंस की फेलियर थी। बाद में जब आगे बात करेंगे तो मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊँगा। ओके, कमिंग बैक टू दाऊद इब्राहिम, 2021 में बीजेपी लीडर किरीट सोमैया, इन्होंने एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था शरद पवार के लिंक्स थे दाऊद इब्राहिम के साथ। उन्होंने कहा था कि सेम प्लेन पे फ्लाइट में बैठ के गए थे ये दोनों। ex-RNDW के ऑफिसर है NK सूड, उन्होंने भी सिमिलर क्लेम्स ये किए थे। उन्होंने तो इनफैक्ट ये भी कहा था कि दाऊद इब्राहिम के लिंक्स अहमद पटेल के साथ भी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे। एक क्रिमिनल जब इस लेवल का डॉन बनता है, ऑफ कोर्स वो सपोर्ट के बिना नहीं बन सकता, पॉलिटिकल एंड इवन आई वुड से कुछ हद तक पुलिस का सपोर्ट। क्या कहानी है पूरी? देखिए, पॉलिटिकल पैट्रोनेज अंडरवर्ल्ड के हर डॉन को, हर गैंग को मिलता रहा है। और उसके बिना कोई भी गैंग खड़ा नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। सिर्फ अंडरवर्ल्ड को पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं मिलता है, उसको कॉरपोरेट पैट्रोनेज भी मिलता है, तभी वो चलते हैं। आपको देश में या शहर में एक बड़ी मिल ऑपरेट करनी है, 10 तरह के उसमें यूनियनबाजी होनी शुरू हो जाती है, कैसे हैंडल करेंगे आप? सारी जायज़ नाजायज़ मांगें तो सारी मांगे नहीं मानी नहीं जा सकती। जायज़ हों, ठीक ठाक हों, तो परहेज गुरेज भी नहीं मिल मालिक को पूरी करने में। नाजायज़ मांगें आती हैं, उन चीज़ों से वो परेशान होते हैं। तो फिर उससे बचाव करने का रास्ता क्या? बाहुबल, खून खराबा, अंडरवर्ल्ड का आदमी अंदर आता है। ऐसे में अंडरवर्ल्ड के आदमी को पैसा दिया जाता है वो काम करने के लिए। अंडरवर्ल्ड का आदमी आ करके इन लोगों को ठोकता है, मारता है। तो ये पैट्रोनेज भी होता है। कौन सा ऐसा हमारे देश का या ख़ासतौर से मुंबई का टॉप मिल ओनर रहा है जिसने कि अंडरवर्ल्ड का सहारा नहीं लिया? लेबर जो एक्टिविस्ट हैं उनको दबाने के लिए, मिल मजदूर यूनियनों को दबाने के लिए सब ने लिया है। वैसे ही पॉलिटिशियंस का है। हमारे यहाँ तो कहते हैं तुम्हारे पास दाऊद है तो हमारे पास में गवली है। बाला साहब ठाकरे का स्टेटमेंट था ये। जब ठाकरे साहब मंच पे खड़े होकर के ये बात बोल सकते हैं तो फिर अकेले शरद पवार को क्यों मतलब टारगेट करना, या अहमद पटेल को क्यों टारगेट करना, क्या या XYZ को क्यों करना? भाई इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। और दूसरी बात, दुष्यंत ने जो कहा था ना कि जिस जिस की दुम उठाई वो मादा निकला, ये कहानी वही है। कुल मिला के ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं ना, इनके खुद की मतलब जो है दुम उठा करके देखिए कि ये कौन है। इन लोगों के भी संपर्क संबंध हैं, इनके ऊपर कोई कभी कुछ नहीं कह पाता करता है। आज तक क्या सबूत आए? चाहे पटेल साहब के बारे में हो, शरद पवार साहब के बारे में, किसी के भी बारे में क्या सबूत आए सामने? आपने आरोप लगाए। पॉलिटिकल आरोपों को हम किस तरह से लेते हैं? हवा में जलती हुई अगरबत्ती के उठते हुए धुएं की तरह। थोड़ी दूर ऊपर तक लकीर दिखाई देती है, उसके बाद डिजॉल्व हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। कुछ देर तक उसकी खुशबू बनी रहती है, हमें पता चलता है कि यहाँ अगरबत्ती थी, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। ये सब चीज़ें सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए अपनी क्रिएट की जाती हैं। आप सबूत पेश करते, जेल भिजवाते उन्हें। आपके यहाँ सिस्टम नहीं था क्या? हमारे यहाँ तो जुडिशरी इतनी पावरफुल है। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेत्री को गद्दी से खींच करके उतार करके और उसको जेल कर दिया था हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। पवार साहब की क्या हैसियत थी उनके सामने? उनके सिपह सालार ही तो थे, उनके किलेदार ही तो थे। उनको नहीं दबा सकती थी हमारी जुडिशरी, दबा सकती थी। ये आरोप लगा देना और फिर बाद में धीरे से ये पुछल्ला भी जोड़ देना कि टाइम आने पे सबूत दूंगा। इनके पास सबूत नहीं होते हैं जो ये कहते हैं, और जिसको करना होता है वो फिर सुब्रमण्यम स्वामी जैसा होता है, उठा करके कोर्ट में एक केस फाइल करता है, सारे सबूत पेश करता है। हार जाए जीत जाए वो अलग मुद्दा है। तो अभी तक पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बातें जितनी भी आती रही हैं, उसके कोई पक्के सबूत सामने अभी तक नहीं आए हैं। पर सर, शरद पवार के ऊपर तो एलिगेशन ये भी लगते हैं कि मतलब जैसे जब वो ब्लास्ट हुए तो 12 धमाके हुए थे, उन्होंने 13वां धमाका भी एक कहा था कि हुआ था, जो आई थिंक किसी मस्जिद में हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा था। देन अगेन सेकेंडली, राम जेठमलानी जी कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का उन्हें कॉल आया था, वो उससे मिले भी थे। दाऊद इब्राहिम वांटेड टू कम बैक टू इंडिया, उसके सिर्फ कुछ 3 शर्तें थी कि पहली शर्त थी उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर ना किया जाए, सेकेंड कि उस पर एग्जिस्टिंग सारे केसेस निकाल दिए जाए, 93 ब्लास्ट के लिए उस पर ट्रायल रन किया जाए, एंड आई थिंक 3rd शर्त ये थी कि उसे जेल में ना रखा जाए, हाउस अरेस्ट करके रखा जाए। जब राम जेठमलानी जी ने ये चीज़ शरद पवार जी को कही थी तो उन्होंने इग्नोर कर दिया था इसे। शायद वो एक चांस था दाऊद को वापस इंडिया लेके आने का एंड 93 ब्लास्ट में उसे प्रूव करने का कि इसका हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था। ये सब क्या हुआ था? देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और इसके 2 पार्ट हैं। पहला तो ये शरद पवार के साथ कनेक्शन और बाकी सब चीज़ें जिसके बारे में आपसे मैं बात कर ही चुका है। दूसरी चीज़ ये कि जेठमलानी साहब के साथ में दाऊद की बातचीत हुई थी। जेठमलानी साहब ने खुद मतलब इस बारे में कहा था, अखबारों में मीडिया में खूब शाया हुआ, वो खूब छपा, उससे भी इनकार नहीं है। रह गई बात कि पवार साहब ने उसे इनकार कर दिया था या इग्नोर कर दिया था कि ये नहीं होगा। देखिए, अगर वो कर भी लिया जाता ना तो ये तीनों शर्तें मानना जो है संभव ही नहीं थी भारत के लिए। बहुत मुश्किल काम था ये, क्योंकि आप सारे केसेस हटा नहीं सकते थे। जितने केसेस हटा दिए जाते उनके सबके जो बंदे थे जिनके घरों में उनके कारण कैजुअल्टीज हुई थी या जो भी केसेस फाइल किए थे, उनमें से अगर 10% लोग भी कोर्ट में जाकर के ये बात कहते कि आप हमारा केस ड्रॉप नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर पाते। कोर्ट बोलती कि हाँ इसमें ट्रायल चलाओ। चूँकि वो दुबई से आने वाला था जिसके साथ में ट्रीटी नहीं थी इस तरह की कोई भी, तो ये चीज़ मानना लीगली डिप्लोमेटिकली पॉसिबल ही नहीं था। राइट। तो इसमें शरद पवार का हाथ होना या उनका इग्नोर कर देना या उनकी विलिंगनेस ना होना, उसके पीछे बहुत सारे लीगल, टेक्निकल, डिप्लोमेटिक इश्यूज थे। एक कोई भी एक्ट होता है ना, और जब दो राष्ट्रों के बीच में कोई सी गतिविधि और घटना होती है तो उसको आपको बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है, बहुत खुले तौर पे देखना पड़ता है उसको। आप संकीर्ण विचारधारा रख करके और फोकस होकर के नहीं देख सकते, आपको डीफोकस होना होता है, दूसरी तरफ भी जाना पड़ता है। तो उसमें ये सारे मुद्दे थे। हाउस अरेस्ट करके रखना ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो कोई कठिन शर्त नहीं है। और एक जो शर्त और क्या थी उनकी, थर्ड डिग्री टॉर्चर, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ करना होगा, नहीं करना होगा, पुलिस को थर्ड डिग्री करके ही निकालना नहीं होता है। बहुत सारी और भी मेथड्स हैं, आप ट्रूथ सीरम टेस्ट कर सकते हैं, आप पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं, आप बियोस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनके ऊपर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आप बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए मतलब चीज़ें पता कर लेते हैं, आजकल तो बहुत मतलब डेवलप है वो साइंस भी। तो मतलब 94, 95, 96 में तो FBI और CIA वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ कर ही रहे थे ना, बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब। क्रिमिनल साइकोलॉजी में वो सारी चीज़ें पढ़ा रहे थे, उनके यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट थे। हमारे यहाँ उतने अच्छे एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन थे थोड़े। राइट। तो वो सब कर ही सकते थे। तीसरी जो एकमात्र शर्त थी उसकी, जिसके बारे में मैंने कहा कि सारे केस हटा दिए जाएँ और 93 ब्लास्ट ही चलाया जाए, तो उसको मालूम है 93 ब्लास्ट में मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होगा, क्योंकि सारे दस्तावेजों में दाऊद के खिलाफ एक भी बयान नहीं है। तो वो तो उसको तो बरी होना ही था। अगर उसके खिलाफ बयान नहीं है तो हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि दाऊद इन्वॉल्व था इस केस में? क्योंकि दाऊद के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग और इंटेलिजेंस इनपुट्स तो है ही ना, तो उसे हम एज अ सबूत नहीं यूज कर सकते। अगर इंटेलिजेंस इनपुट को कभी भी सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। उसको इवन सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं मान सकते। प्राइमरी एविडेंस तो वो हो जाता है कि मैं जैसे गवाही दे रहा हूँ या सीधे उनकी इन्वॉल्वमेंट का कोई वीडियो, ऑडियो, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या किसी और तरीके की चीज़ है, या जो को एक्यूज है उसने मतलब सीधे सीधे से बयान दिया हो। दाऊद के से मिलने और उससे बातचीत होने और बम ब्लास्ट के बारे में बातचीत होने के बयान ही कहाँ हैं, तो आप कैसे उसको इस्टेब्लिश करेंगे? इंटेलिजेंस इनपुट के नाम के ऊपर तो कचरा कितना आता है। करेक्ट। हर दिन 2000 इन्फॉर्मेशन आती हैं, उसमें से एग्जीक्यूटेबल या वर्केबल कितनी होती हैं? हार्डली है नहीं। तो वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओके। एक और अजीत डोवाल दिल्ली में एक मीटिंग करते हैं फरीद तनाशा और विक्की मल्होत्रा के साथ। ये शायद छोटा राजन के दो लोग थे। एंड पूरा प्लान बनाया जाता है कि दाऊद को किस तरह से पकड़ेंगे या ख़त्म करेंगे। मुंबई पुलिस आके उस प्लान को डिसरप्ट कर देती है। अब यहाँ पे दो सवाल उठते हैं, या तो ये एजेंसीज़ के बीच में बात नहीं होती उसलिए ये डिसरप्ट हुआ था, या मुंबई या महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडरशिप से ये ऑर्डर्स मिले गए थे मुंबई पुलिस को कि जाके इस मीटिंग को डिसरप्ट किया जाए, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को पकड़ा जाए। क्या चीज़ थी ये? दोनों ही चीज़ नहीं थी। अच्छा। इसका एक तीसरा पहलू और है। ओके। तीसरा एलिगेशन और है कि मुंबई पुलिस को दाऊद ने ये इन्फॉर्मेशन दी, मुंबई पुलिस को दाऊद ने पैसे दिए और मुंबई पुलिस से ये पूरा का पूरा जो है गेम गड़बड़ करवाया। असल में ये था कि इनको इन्फॉर्मेशन मिली, 2 पुलिस थानों के 12 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई कमलाकर साहब जो है उस वक्त सारा काम देख रहे थे, आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर रहे हैं और बहुत मैं उन्हें पसंद भी करता हूं क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब काम किया भी है। और उनकी टीम वहां पहुंचती है, अपने मुखबिर के साथ टीम के दो चार लोग जो है अंदर पहुंचते हैं। सुबह का नाश्ता चल रहा होता है जहां पर चार लोग कुल बैठे हुए हैं, जिसमें से तीन नाम आपने लिए। और जब ये लोग बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो इनको दूर से निगाह में रखा जाता है। वहाँ अंदर अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की जाती क्योंकि वहाँ पे क्लोज कॉम्बैट या फायरिंग वायरिंग होने की चांस बन सकती थी, तो वहाँ पे और लोगों की भी मौत हो सकती है या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये तय किया कि इनको बाहर करेंगे। तो जब ये बाहर आए पोर्टिको से अपनी कार में बैठे और जैसे ही मुख्य दरवाजे पे पहुँचे होटल जनपद के, इनको वहाँ पर ब्लॉक किया। ये बता दूं कि डोवाल साहब तब तक आईबी चीफ के ओहदे से रिटायर हो चुके थे, राइट। तो उनको ऑफिशियली ये ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं थी, वो अपने तय कर रहे थे। अब यहाँ पर दोनों तरफ से बंदूकें खिंच गई, तन गई। अगर उस समय में गलती से सड़क पे जाती हुई किसी कार के साइलेंसर का बस्ट आ जाता ना, तो यहाँ पर कम से कम 10-20 लाशें गिर गई होती कि किसी ने गोली चला दी। और उस खतरे में, उस डर में गोली चल जाती है। और मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने तुरंत महाराष्ट्र फ़ोन घुमाया और यहाँ से कमिश्नर साहब तक इत्तला गई। कमिश्नर साहब ने अपनी टीम को कहा कि बैक ऑफ करो। वो लोग तो डोवाल साहब को गिरफ्तार करने पे आमादा थे। अच्छा, हाँ, कि आप इनके साथ में हो, आप कल्प्रिट हो, आरोपी हो। उन्हें पता नहीं था अजीत डोवाल कौन है। उनको मालूम है एंड स्टिल वो उन्हें अरेस्ट कर रहे थे। तुम होते कौन हो? रिटायर हो गए ना। हाँ, तो रिटायर होने के बाद में तुम्हारी हैसियत क्या है? कॉमन सिटीजन हो और तुम हमारे मुंबई के दो भगोड़े सुपारी किलर्स के साथ घूम रहे हो, उनके साथ में बैठ करके अंडा आमलेट खा रहे हो, क्यों? अब मान लीजिए कि इसके पीछे सुपारी एंगल है, बॉम्बे पुलिस को सुपारी मिली हुई है, लेकिन काम तो वो लीगल कर रहे थे। कर लेते वो डोवाल साहब को अरेस्ट, क्या उखाड़ लेता कोई उसका? बाद में जो होना होता होता तब तो वो पगलाए पड़े हुए थे। तो उनकी सिक्योरिटी भी थी, सब कुछ था, उन्होंने बोला भी, लेकिन ये मानने को राजी नहीं हुआ। तो फिर बाद में ये हुआ कि चलो ठीक है, इन दोनों को ले जाओ, इनको छोड़ो। कहानी कुल मिला करके इतनी हुई थी जी। ये जो फेलियर था इस ऑपरेशन का, ये बहुत बड़ा फेलियर था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तब तक शायद मैक बनी नहीं थी, मल्टी एजेंसी सेंटर मैक। और मैक में भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट पुलिस एजेंसीज या अदर एजेंसीज जो हैं वो इंफॉर्मेशन लीड आउट नहीं करते हैं। वो लोग अपने पास बचा करके रखते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन हम उनको क्यों दें, फलाना उसका यूज़ करके और हीरो बन जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। ये तो इंडिया का नहीं है, हर देश में ये, हर देश में है, लेकिन कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो आप वो करते ही नहीं है। और जब आपको एक डिस्क्रीट ऑपरेशन करना है तो हम मैक में क्यों इन्फॉर्मेशन देंगे, हम क्यों दूसरी एजेंसी को बताएंगे, हम क्यों आईबी को बताने जाएंगे कि भैया तुम्हारा एक्स चीफ को हम अरेस्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्टर को दबोचेंगे? नहीं, हम हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं। अब साली बॉम्बे पुलिस की हनक बड़ी कमाल की थी उस समय, वो तो किसी को गिनते ही नहीं थे। आरोपी है तो है, उठाओ साले को। तो बस वो उनके लिए दो आरोपी हैं, उनका साथ देने वाला भी आरोपी है, ले आओ। वहाँ बहुत घमासान मचा था। उन गए हुए ऑफिसर्स में से दो को मैंने इंटरव्यू किया था। अच्छा, क्या पता चला उस इंटरव्यू? यही सब जो मैं बता रहा हूँ। माटुंगा पुलिस स्टेशन में बैठ करके मैंने उन लोगों से लंबी बातचीत की थी। पर क्या उनसे आपको ये पता चला कि ऊपर से ऑर्डर्स अगर आए थे तो कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था? भाई उनने तो इतना बोला कि हमको तो हमारे बड़े ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन आई, हमें बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली, हम गए, हमने काम किया, एंड वी आर प्राउड ऑफ अवर सेल्फ। हमने साला मतलब दो बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा, ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ा जिनको कोई नहीं पकड़ सकता था। और दिल्ली से ऐसे डिस्क्रीट ऑपरेशन से हम पकड़ करके लाए कि कोई और नहीं कर सकता था, हमने किया। वो तो बड़े खुश थे। पॉलिटिकल उसका सवाल, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है यार, किसी ने बोला होगा, किया होगा, हमको तो हमारे अफसर से आया ना इन्फॉर्मेशन, हमने कर दिया। और मुंबई पुलिस के कैपेसिटी में जो ये दो अपराधी थे ये पकड़ना उनके लिए इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट। नेशनल सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस है, दाऊद इब्राहिम इम्पोर्टेंट था, तो वो क्लैश हो गया वहाँ पे। हाँ, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है या जो ऑपरेशन होना चाहिए था वो एक्सपोज हो गया। राइट, दाऊद की जानकारी में हुआ या दाऊद की जानकारी के बिना एक्सपोज हुआ ये अलग कहानी है, लेकिन हुआ। और उसके बाद में इन लोगों ने करीब 6 कोशिशें की, इसी फरीद तानाशाह ने की, 2-2 महीने 3-3 महीने जा करके वहाँ पे रहता था, मटन बिरयानी चिकन बिरयानी खा करके और टाइम वेस्ट करके वापस आ जाते थे ये लोग। ये दाऊद के पास तक नहीं जा पाए, मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूर तक नहीं पहुँच पाए। एक बार जरूर ये लोग कुछ 300-350 मीटर पास तक पहुँच गए थे, लेकिन तब भी उसको मारने की पोजीशन नहीं बन पाई थी। राइट, क्योंकि इनको दिख रहा था कि दाऊद यहाँ जाता आता है, ये करता है वो करता है, हम यहाँ से टेलीस्कोपिक राइफल से इसको मार सकते हैं, लेकिन ये तय था कि उसको मार दिया तो हम वापस नहीं लौटेंगे। जब आप किसी ऑपरेशन पे किसी बंदे को भेजते हैं और वो आदमी जिंदा लौटने की ख्वाहिश से जाता है, वो ऑपरेशन कभी सफल नहीं होता, चाहे वो डिफेंस का हो चाहे वो अंडरवर्ल्ड का हो। Okay. मरजीवड़े चाहिए उसके लिए, शहादत देने की सुसाइड स्क्वाड चाहिए। हाँ, मतलब समझ चाहिए उसमें, ताकत चाहिए, वो ताप चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं होता। ओके, बट इससे एक चीज़ तो ये पता चलती है कि मतलब छोटा राजन को इंटेलिजेंस ने हमारी हेल्प तो की थी, क्योंकि 93 के बाद में भी जब छोटा राजन दाऊद के डी कंपनी के लोगों को मारना शुरू करता है, ऐसे रूमर्स है कि उसे इंटेलिजेंस से खबरें मिलती थी। भाई देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुनिया उसको इस्तेमाल करती है। राइट, दाऊद को भी तो किया ही था पठान गैंग के अगेंस्ट। नहीं, वो तो बहुत उड़ती हुई चीज़ है। अच्छा, वो उसमें मैं उसको सही नहीं मानता। ओके, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि एक मुंबई पुलिस कमिश्नर थे जिन्होंने भिड़ा दिया था दोनों को, पठान गैंग को और दाऊद को। हाँ, मतलब वो थोड़ा बहुत कुछ हो भी सकता है। मैं उस चीज़ के बारे में बहुत जानता भी नहीं और मैं उस चीज़ को बहुत मानता भी नहीं, क्योंकि दोनों ही जो थे पठान और कोंकणी गैंग, वो दोनों ही बड़े एग्रेसिव थे। राइट, तो आपस में मारकाट तो वैसी मची भी थी, आपको बीच में थोड़ा सा घासलेट डाल करके क्या फ़ायदा होने वाला था। वो तो वैसे ही मर रहे कट रहे थे। जहाँ तक इसकी बात है, राजन को एक बैकअप चाहिए था, इनको उसके अगेंस्ट एक मोहरा चाहिए था, तो एजेंसी की पीठ राजन खुजा रहा था, राजन की पीठ एजेंसी खुजा रही थी, और ये हमेशा होता ही आया है। स्पाइंग और काउंटर स्पाइंग में ये सब चीज़ें चलती हैं। Okay. ये हमेशा का है और ये एक प्रेसिडेंट है, अनरिटन प्रेसिडेंट भी नहीं बोलूँगा, रिटन प्रेसिडेंट है कि आप दुश्मन को अपना दोस्त बनाते हैं, उससे काम निकालते हैं। तो राजन ने इनसे प्रोटेक्शन हासिल किया, इनसे पैट्रोनेज हासिल की, इनसे पैसे हासिल किए इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस ने उसके सामने जो है इनके लोगों को मरवाया। Right. 12 जो है इनको मरवाया, क्या बोलते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज्ड को, जिसमें सलीम कुरला वगैरह थे। यहाँ अंधेरी में बेलेव्यू नर्सिंग होम में उसको ऊपर जाके मारा, और उसका जो ड्राइवर था वो गवाही ना दे सके इसलिए नीचे उतर के उसको भी मारा है उन्होंने। तो इस तरह की इसी घटनाएं हैं। एक बिल्डर था, उसको जो एक्यूज था 93 ब्लास्ट में, उसको बैंड्रा में स्टेशन के बाहर सरेआम मारा सड़क पर। तो ऐसे बहुत सारे लोग मारे, बहुत सारी और चीज़ों में, इंफॉर्मेशन लीड आउट करने में, नेशनल इंटरनेशनल अरेस्टिंग करवाने में, उन सब चीज़ों में राजन ने बहुत हेल्प की, नो डाउट, लेकिन बदले में कुछ हासिल किया तो वो बेसिकली एक बिजनेस डील थी। वो देशभक्ति नहीं थी। करेक्ट। हाँ, देशभक्ति तो तब होगी ना जब, मैं मानूं, जब आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते और एक्सेप्ट भी नहीं करते। उससे तो बेहतर हमारे यहाँ के पत्रकार हैं, हजारों सैकड़ों इन्फॉर्मेशन लीड आउट करते हैं, बदले में क्या मांगते हैं समाज से या इंटेलिजेंस से? कुछ नहीं। कौन पैसे मांगने जाता है? राइट। सर, हम क्योंकि पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, द हिंदू को एक रिपोर्ट आया था और उसमें मतलब जो उन्होंने छानबीन की थी तो उन्हें कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मिली थी। जनवरी 2013 में छोटा शकील अपने किसी बंदे से दुबई में बात कर रहा है कॉल पे, एक अननोन रीडेवलपमेंट स्कीम के बारे में मुंबई की, और वो कह रहा है उसे कि ये एक ऐसा काम है जिसमें हमारी गैंग को 15 से 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, पर इसमें हमें मुंबई के मेयर को इन्वॉल्व करना होगा, उसके हेल्प के बिना हम ये नहीं कर सकते। इतने ओपनली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो था इसमें। मुंबई के मेयर को इन्वॉल्व करने का मतलब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, इट इज नॉट पॉलिटिकल पैट्रोनेज और इन्वॉल्वमेंट। तो एक गैंगस्टर ही कर रहा है ना। अरे भाई गैंगस्टर करेगा ही ना, पैसा कमाने हैं उसे। मैं गैंगस्टर हूँ, आप बिल्डर हो, हम दोनों मिल करके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपकी कितनी ज़रूरतें हैं, आपको पैसे चाहिए अगर तो मैं दे सकता हूँ, आपको बाहुबल चाहिए मैं दे सकता हूँ, आप बिल्डर हो, आप जो है सामने वाले को क्रैक कर सकते हो, पॉलिटिशियन को करप्ट कर सकते हो, आप किसी ऑफिसर को करप्ट कर सकते हो, उससे काम निकाल सकते हो। आपसे बदले में मुझे क्या मिलेगा, मेरी जो इल कॉटन वेल्थ है 15 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ वो मैं आपके पास लगाता हूँ, आप बदले में मुझे वाइट करके दे देते हो, राइट, या वाइट करके नहीं देते हो तो 2 गुना 3 गुना करके दे देते हो, मेरा प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से ये काम चलता है। अब इसमें मेयर जो है उसको शामिल करने का क्या मतलब हुआ, या कमिश्नर को शामिल करने का मतलब या मकसद इतना ही हुआ कि आप जब उनको शामिल करते हैं तो उनको उनका हिस्सा देते हैं, और जो आपके यहाँ पर कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको मजबूत उनके थ्रू करवा लेते हैं। इसको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं बोलेंगे, ये बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है। सर क्योंकि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, एंड एक और चीज़ यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए ऑफकोर्स जिसके बारे में, क्योंकि दुबई से अब दाऊद पहुँचता है कराची। कराची में इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है, इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया ने तो यहाँ तक कहा था कि इमरान खान की पार्टी को डोनेशंस जो मिले थे वो दाऊद इब्राहिम के थ्रू मिले थे, डी कंपनी के थ्रू मिले थे, एंड वहीं से पूरा ये पंगा जो इमरान खान का शुरू हुआ था वो उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि वो इलीगल डोनेशंस थे कि जिस तरह से आए थे वो गलत थे। तो क्या है पॉलिटिकल कनेक्शंस, क्या है दाऊद के? ये सब है ना हवा में उड़ी हुई बातें हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है। अफवाहों के सींग नहीं होते ना, वो वाली कहानी है, अफवाहों के पंख होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए सबसे पहली और आखिरी चीज़ बता देता हूँ कि दाऊद इब्राहिम का वहाँ का जो स्ट्रांग होल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ ISI के कारण है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज अपने आप बन जाता है। जिस देश में एक स्पाई एजेंसी जो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की स्पाई एजेंसी जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो वहाँ की राजनीति को संचालित करती है, उसको दशा और दिशा देती है, वहाँ पर कौन उनके खिलाफ जाएगा? जब जो उनके खिलाफ जाता है पता चलता है कि सत्ता पलट हो गई और एक डिक्टेटर आ गया, चाहे जियाउल रहमान हो या कोई भी हो, जियाउल हक। तो ये सब चीज़ें वहाँ की मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो वहाँ पर जो भी पॉलिटिशियन हैं उनको दाऊद इब्राहिम के साथ में अगर कोई कनेक्टिविटी बनती है या उनका कोई लेन देन बनता है तो उसमें क्या बड़ी बात है? पैसों का लेन देन कौन सी बड़ी बात है? अब बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल जो है वो ISI ने खड़ा ही इसलिए किया था ताकि पूरे वर्ल्ड में जो उनके ऑपरेशन चलते हैं और ख़ास तौर से इंडिया में जो उनके ऑपरेशन चलते हैं उसके लिए पैसा पहुंचाने के लिए लीगल रूट उन्होंने तैयार किया था वो। अच्छा। उसमें 12-12.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है आसिफ जरदारी के जरिए इसमें हुआ था, बैंक में, BCCI में। और जब BCCI बंद हुआ, फेल हुआ, तो उसमें वो पैसा भी दाऊद का डूबा है। आसिफ जरदारी के साथ में उनके रिश्तों की और भी दसियों कहानियां हैं। इमरान खान के साथ में अगर ऐसी बात आ जाती है तो उसमें बुराई क्या है, राइट, और मतलब गलत क्या है? वहाँ मैंने आपको पहले भी कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो हर चीज़ हर गंगे है। तो इमरान खान भी उसमें नहा रहे हैं, आसिफ जरदारी भी नहा रहे हैं, नवाज शरीफ भी नहा रहे हैं, सब कुछ है। किसी का खुल जाता है, किसी का नहीं खुलता है। तो ये बात सामने आ गई तो इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, पाकिस्तान जिस तरह का देश है और जिस तरह की राजनीति वहाँ चलती है वो अमूमन हिंदुस्तान जैसी है। और दोनों जगह के जो आला हुक्मरान हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो तो इलीगल जो पैसा है उसके ऊपर ही तो सारी उनकी ताकत है दोनों ही देशों में। और किसी भी पार्टी का मैं आपको दूध का धुलावा नहीं बोलूँगा, सब पार्टियाँ वैसी बदनाम और बदकार हैं। तो यह वहाँ पाकिस्तान में भी है। तो अगर इमरान को पैसा दाऊद के ज़रिए मिला या दाऊद के थ्रू आया या दाऊद के कनेक्शंस वाले पैसे आए तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप वहाँ के जिस भी पॉलिटिशियन को इन्वेस्टिगेट कीजिए, सबके साथ में ये जुड़ाव है। राइट, ओके। पर कौन किसे यूज़ कर रहा है वहाँ? दाऊद आईएसआई को यूज़ कर रहा है या आईएसआई दाऊद को यूज़ कर रहा है? और मैं ये इस क्वेश्चन का मेरा पूछने का पीछे मकसद ये भी है कि जावेद मियांदाद का एक बहुत फेमस क्लिप आया था जब इमरान खान फर्स्ट टाइम शायद वहाँ पे इलेक्ट हुए थे, तब उनसे पूछा गया था कि आपने इतने साल तक उनके साथ में क्रिकेट खेला है, पॉलिटिक्स में आप उनके साथ में उनका साथ नहीं देंगे क्या, उनके साथ खेलेंगे नहीं क्या? तो उन्होंने कहा था कि मेरे एक बहुत ख़ास है जिनके थ्रू मैंने इमरान खान को इलेक्ट करवाया है। तो सबको पता है अब जावेद मियांदाद के इन लॉज कह सकते हैं हम दाऊद इब्राहिम, क्योंकि वो उनके बेटे से उनकी बेटी की शादी हुई है। तो ये कौन किसे यूज़ कर रहा है वहाँ? आईएसआई को दाऊद यूज़ कर रहा है या दाऊद को आईएसआई यूज़ कर रही है? इस सिलसिले में दोनों ही एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएसआई को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लगातार वो चोट पहुँचाते रहे, एक नया जख्म हमेशा उनको देते रहे, ताकि जो पुराने 2 जख्म दिए हैं, 5 दिए हैं, वो भरें उसके पहले पहले और 5-10 जख्म दे दे। तो इस कंट्री को ब्लीड करते रहने के लिए आईएसआई हमेशा कोशिश करते रहती है। उसमें से उनके पास में एक बहुत बड़ा जो तरीका है वो है इंडियन फेक करेंसी, ठीक है, IFCN जो होता है इंडियन फेक करेंसी नोट, उसकी प्रिंटिंग करवा करके और उसको इंडियन मार्केट में खपाना और उसके ज़रिए जो है पूरी इकोनॉमी ख़राब करना। उसके लिए दाऊद इब्राहिम गैंग का जो स्मगलिंग का रूट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, उनके लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। दाऊद तो वो सारा काम खुद देखता नहीं है। दाऊद का एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति है विक्रम परमार उर्फ छप्पन टिकली, वो बांग्लादेश में रहता है और वहाँ से वो इस पूरे ऑपरेशंस को हैंडल करता है। एक तरह से कहना चाहिए कि फेक करेंसी का इंटरनेशनल CEO अगर कोई है तो वो छप्पन टिकली है, जो बांग्लादेश में रहता है। और उसके अलावा 2 भाई हैं जिन्होंने कि 2 मुंबई के नेवल बेस में काम करने वाले एक सिविल के बंदे की 2 बेटियों से शादियां की उन दोनों भाइयों ने। तो असलम बटकी और उसका भाई, ये लोग मिलकर के तीनों जो हैं ये पूरा काम संभाल रहे हैं। तो अब ये दाऊद गैंग के ही लोग हैं ना। राइट, तो बदले में दाऊद को क्या हासिल हो रहा है? अगर वो दाऊद उनके लिए कुछ कर रहा है तो बदले में दाऊद को क्या मिल रहा है? दाऊद को असल में ये जो फेक करेंसी है ये फ्री में मिलती है उस गैंग को। अब वो अपने चूँकि सारे साधनों संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो चूँकि फ्री में मिली हुई करेंसी है वो 40% की दर के ऊपर भी अगर इंडिया में सर्कुलेट करने वालों को बेचते हैं और सामने वाला आदमी आकर के यहाँ सर्कुलेट करता है उसे, तो उसका अपना प्रॉफिट हो गया 60% का, इनका प्रॉफिट हो गया 40% का। राइट, अगर एक साल में आपने 20,000 करोड़ की या 10,000 करोड़ की करेंसी उतारी इंडियन मार्केट में, तो 10,000 करोड़ के ऊपर 4,000 करोड़ आपने कमाए। ये किसके? गैंग के। राइट, तो दोनों का फायदा है हर काम में, कहीं गाड़ी नाव पे, कहीं नाव गाड़ी पे। ओके, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि ये एक हिट था ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स या अंडरवर्ल्ड पे, इससे सच में उन पे अफेक्ट हुआ? मेरे पास है हंसने के अलावा इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ये डिमोनेटाइजेशन नाम का जो प्रेत है बार बार आ करके मुझे विक्रम के ऊपर वेताल की तरह बैठता है। और आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा फेलियर पॉलिटिकल डिसीजन आज तक नहीं होगा, इससे बड़ा। ये जो कोशिश की वो बेसिकली टेररिज्म पे नहीं थी, वो जो विरोधी पार्टियां थी उनके ऊपर स्ट्राइक थी वो। ओके, बहुत खुले तौर पे ये बात कहता हूँ मैं आपसे। क्या कर लिया? जिस दिन बम्बई में पहला नोट आया 2000 का और नया 500 का, यहाँ से 2-2 करेंसी हासिल हुई। बंदा एक ले करके यहाँ से फ़्लाइट पकड़ता है, 5 घंटे में वो दुबई पहुँचता है, दुबई से अगला फ़्लाइट पकड़ता है, 2-4 घंटे में कराची पहुँचता है, 12 घंटे के अंदर आपकी करेंसी पाकिस्तान पहुँच जाती है, अगले 7 दिनों में उसकी नकल बन जाती है, 10वें दिन तो वो करेंसी जो है आपके जम्मू कश्मीर में एक मारे हुए आतंकवादी के पास से बरामद हो जाती है। क्या हासिल हुआ? कौन सी भैया टेररिस्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक थी और मास्टर स्ट्रोक था? बम्बई से वो करेंसी उड़ती है और हम जैसे लोगों को, पत्रकारों को मालूम चलता है, सिस्टम को क्यों नहीं मालूम चलता? ये बात जो है ये मेरी कही हुई। ठीक उसी समय में बस्तर मर्चेंट्स चैम्बर में मैं गया था बात करने के लिए। उस समय में ये डॉक्यूमेंटेड है वहाँ पे। तो रायपुर में उसके बाद में प्रेस क्लब के अंदर मीट टू प्रेस हुई थी, उसके अंदर मैंने ये बात कही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दाऊद को भी उससे कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि उन लोगों ने तो बहुत पहले से जो है वो करेंसी बहुत बड़ी मात्रा में स्टैश करके या जमा करके रखने का काम छोड़ ही दिया था। अच्छा, जब तक ये सारा चक्रमबाजियाँ शुरू हो रही थी तब तक जो है उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ ही रही थी। मैक्सिमम पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में, डायमंड में, गोल्ड में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट हो चुका था। रह गई बात पॉलिटिकल पार्टियों की, इन सब की उनको लॉस हुआ, पर उन्होंने भी अपने तरीके से रिकवर कर लिया, उसे मैनेज कर लिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देश का नुकसान हो गया जम के। लाखों करोड़ की करेंसी एक्स्ट्रा छापनी पड़ी, न जाने कितनी करोड़ की जो करेंसी है फेक करेंसी वो ओरिजिनल करेंसी के साथ में मिला करके चेस्ट में घुसेड़ दी। भाई जितने नोट आपने छापे नहीं थे उससे ज़्यादा के तो आपके पास में वापस आ गए। तो ये आरबीआई क्यों नहीं डेटा घोषित करती है? इसी वजह से नहीं करती है। ये सब बकवास है। ओके सर, एक और चीज़ है, पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट है नईम मुस्तफ़ा। अब उनके बाकी सब स्टेटमेंट्स हम अलग रखते हैं कि वो जो भी कहते हैं कि इंडिया के पास में कोई सबूत नहीं है कि दाऊद पाकिस्तान में रह रहा है, वो सब साइड में रखते हैं। उनका एक क्लेम है इन विच ही सेज कि दाऊद इब्राहिम, उनके बेटे मोइन इब्राहिम और उनका सन इन लॉ, ये तीनों काफ़ी रिलीजियस पीपल है और दाढ़ी वगैरह बढ़ा के रहते हैं और इनफैक्ट कुरान सिखाते हैं बच्चों को। इस बात में कितनी सच्चाई है कि दाऊद एक रिलीजियस आदमी है? दाऊद के रिलीजियस होने में नुकसान क्या है, क्योंकि या ना होने में क्या परेशानी है? एक इंसान जो इतने सारे कत्ल करता है वो रिलीजियस भी हो सकता है। वो ऑक्सीमोरन मुझे समझा नहीं अब तक। देखिए आपको एक बात बताता हूँ। आप जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं देश में, दुनिया में, उनके सबके जो नायक और महानायक हैं या उनके जो कहना चाहिए कि खलनायक भी हैं, उनको सबको देखिए, वो सारे के सारे रिलीजियस हैं। रिलीजियन उनकी एक अलग चीज़ है और बिजनेस एक अलग चीज़ है। मैं जब अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिला करता था तो मैं देखता था कि वो बातें करते थे कि साईं बाबा के पास जाकर के मंदिर में चढ़ावा करना है, यार 11,000 रुपये चढ़ाने हैं, फलाने आदमी का मर्डर किया था, सक्सेसफुल हो गया, तो बाबा को मैंने 11,000 का बोला था तो मैं करके आऊँगा। कोई बोलता है फलानी मस्जिद, फलाने दरगाह पे करूँगा, कोई बोलता है फलाने मंदिर में करूँगा, कोई बोलता है फलाने चर्च में करूँगा। क्यों है ये सब? ये बिलीफ है, ठीक है ना। फेथ एंड बिलीफ जो होते हैं ना, वो धर्म की जो व्याख्या है हमारे कहना चाहिए प्राचीन ग्रंथों की और ख़ास तौर से ऋग्वेद की, उससे बहुत अलग है। ऋग्वेद कहता है धारतेय इति धर्म, यानी जो कर्म आप कर रहे हैं वही आपका धर्म है। हम धर्म का अर्थ लेते हैं रिलीजियन के रूप में कि आप कौन से फेथ को फॉलो करते हैं। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ज्यूज़ हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जैन हैं, क्या हैं, तो आप धर्म उसके हिसाब से चलते हैं। कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक प्रक्रिया पूरी करता है। एक आदमी पूजा करता है, थोड़ी देर में बाहर निकलता है, जा कर के मर्डर के लिए बोल देता है कि भैया जा उसको ठोक दे। इसमें धर्म कहाँ से आया? धर्म में और संस्कार में फ़र्क है। आपका संस्कार आपको रोकेगा क्राइम करने से, आपका धर्म शायद नहीं रोक पाया आपको, क्योंकि धर्म तो कर्म कांड है। पूजा करना है, हाँ, तो पूजा में क्या होगा? अक्षत, दिया, चंदन, ये वो सब लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, वो सब करना है, 2-4 आरतियाँ बोल देना है, उसके सामने बैठ कर के थोड़ी देर ध्यान लगा लेना है। अपने जो भी ईष्ट हैं, शंकर हों, पार्वती हों, काली हों, राम हों, कृष्ण हों, अपने अपने इष्ट देव का आप स्मरण कर लेते हैं। ये धर्म हो गया, राइट। संस्कार क्या होता है, ये गलत है और ये सही है। आध्यात्म क्या होता है, ये गलत है और ये सही है। आध्यात्म और धर्म में, धर्म और संस्कार में फ़र्क होते हैं। आपके आध्यात्मिक आपकी अप्रोच है, आपकी अगर संस्कार अच्छे हैं तो आपको वो सब नहीं करने देगा। मेरा तो धर्म सिखाता है कि लड़ो, मारो, मरो। मेरे तो जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथों में हथियार है, दो चार को छोड़ दूं तो वो मुझे हिंसा नहीं सिखाते। नहीं, वो हिंसा नहीं सिखाते, वो मुझे कहते हैं कि ये अपना प्रोटेक्शन के लिए रखो। लेकिन मन के सुप्त कोने में, दिमाग के कहीं वो हथियार तो है ना। आध्यात्म में हथियार नहीं होता, संस्कार में हथियार नहीं होता, राइट। तो दाऊद अगर ऐसा करता है तो कोई गलत नहीं है। रह गई बात मोइन की, तो मोइन जो है वो क्या बोलते हैं उसे, ये कुरान हाफिज़ है और वो कुरान की आयतें वगैरह उसको पूरी याद हैं, और वो अगर वो सब चीज़ें करता है तो करता है। कहा जाता है उसे ये जो अंडरवर्ल्ड का एक ब्लैक वर्ल्ड है उससे भी दूर रखा गया है। हाँ, उसे पूरे परिवार को ही दूर रखा है दाऊद ने। दाऊद ही छोड़िए, इवन आप अरुण गवली को देख लीजिए, या अमर नाइक को देख लीजिए, अश्विन नाइक को देख लीजिए, और भी जितने लोग हैं। तो कॉन्शियसनेस है इन सब लोगों में कि जो हम कर रहे हैं ये किसी लेवल पे तो गलत है, इसीलिए अपने फैमिली को अलग रखा है। उन्हें पता है कि इसका अंत क्या है, ये उस अंत से डर है उन्हें, गलत कर रहे उस चीज़ से नहीं। ये एक अंधी सुरंग है, एक अंधी सुरंग है, और उस अंधी सुरंग में जब आप घुसते हैं ना तो आप सीधे सीधे बस चलते चले जाते हैं। दाएं बाएं आप देखते हैं तो आपको वही डरावने दृश्य दिखाई देते हैं जो आपकी ज़िंदगी के हैं, राइट। और उसका अंत नहीं है। अंत जहाँ पर होता है वहाँ भी अंधकार ही है, वहाँ भी आपको मरना ही है, मौत है, करेक्ट। तो अपने जाने बुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को कोई क्यों भेजेगा? पहले इसीलिए अंडरवर्ल्ड में एक नियम था, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर और परिवारों पर हमले नहीं किए जाएंगे। ये प्रथा दाऊद ने आके तोड़ी थी, ये परंपरा दाऊद ने तोड़ी थी। तो वो खौफ तो सबके मन में रहेगा ना, राइट, कि जो कल मैंने बोया है आज मुझे वो काटना है, उगाना है, वही फसल मेरे लिए है। इसलिए वो दूर रखते हैं। ओके सब टी कंपनी एक्सपोज भी हुई थी एक तरह से जब नूरुल हक, जो दाऊद का छोटा भाई है एक, उसकी डेड बॉडी मिली थी कराची के दाऊद के घर के बाहर, और उसे मारा गया था सरदार रहमान द्वारा। ये क्या चीज़ है? नूरुल जो है ना, उसका नाम हिंदुस्तान में जो है पुलिस में या सब लोगों के बीच में नूरा के नाम से फेमस है। और नूरा का घर के मतलब बाहर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे जा कर के, और वहाँ पर एक ATM सेंटर है सिटी बैंक का, उसके बाहर उसकी लाश फेंकी गई थी। और जो ये अब्दुल रहमान जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो रहमान डकैत के नाम से कुख्यात है वहाँ पे। तो उस वक्त की जो कहानी मेरे सामने आई है, जो कि मैंने अपनी एक किताब में भी लिखी है और ख़बर भी मैंने उस पर की थी, तो उसमें हुआ ये था कि दाऊद इब्राहिम के ग्रुप ने पाकिस्तान में किसी व्यक्ति की एक बड़ी ज़मीन जो है कब्जा कर ली थी, और वो ज़मीन कुछ संभवतः 1200 करोड़ के आसपास थी, और ये लोग उसके लिए कुछ 8-10 करोड़ रुपए उसे दे रहे थे, या 400 करोड़ की थी और 8-10 करोड़ दे रहे थे, इस तरह का। अभी आंकड़ा सही याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि रकम बड़ी हकीर सी थी, 8-10 करोड़ थी, और अमाउंट जो है उससे कई सौ गुना ज़्यादा था। तो वो बंदा जो है मान नहीं रहा था कि नहीं भाई इतना कम पैसा कैसे लूँगा, आप इसके ऊपर वो बनाओगे, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाओगे या शॉपिंग मॉल बनाओगे तो आपको 2000-2000 करोड़ का फ़ायदा होगा, मेरा क्या, अब 400 करोड़ की मेरी ज़मीन ले लोगे। तो वो नहीं मान रहे थे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये जो बंदा था ये रहमान का रिश्तेदार था, तो ये रहमान के पास गया। रहमान ने दाऊद को समझाने की कोशिश की ओवर द कॉल, दाऊद और उसके लोग अड़े रहे। एक दिन उसने नूरा का कर लिया अपहरण। इन लोगों ने, मैंने जो सुना है या मेरी जो इन्फॉर्मर्स ने मुझे जानकारी दी है, रहमान को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा वताड़ा और उसको औकात गिना दी। रहमान पागल किस्म का आदमी है, इसीलिए वो वहाँ पे रहमान डकैत के नाम से कुख्यात है। और पहले भी मर्डर वर्डर बड़े किए हुए हैं, ये सब वो सब पगलैट टाइप का सा इंसान है। उसने इसको उसी के बाहर से उठा लिया और ये बताया जाता है कि अपने सेफ हाउस में रख के, अपनी कस्टडी में रख के उसने नूरा को सिगरेट के चटके लगा लगा करके उसकी आवाज़ जो है दाऊद को सुनाई थी। और दाऊद ने 50 बार बोला भी कि मैं तेरी ज़मीन छोड़ दूँगा, उसकी ज़मीन छोड़ दूँगा, तो इसको छोड़ दे। उसने कहा कि वो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, मैंने पहले कहा था तुमसे कि मान जाओ मेरी बात, लेकिन तुम नहीं माने, अब देर हो गई। अल्टीमेटली तड़पा करके उसकी हत्या की और वहाँ ला करके लाश फेंकी। बाद में खबर जब हिंदुस्तान में आई तो हम लोगों को सबको ये खबर डी कंपनी के जो इंडियन पेरीफेरी में रहने वाले उनके जो लोग हैं उन्होंने ये फीड दिया कि उसकी किडनी फेलियर से या हार्ट अटैक से डेथ हो गई है और उसको जो है वहीं पे दफनाया जाएगा या शायद दुबई दफनाया जाएगा। दुबई वगैरह तो ले नहीं गए, बाद में उसे कराची में ही दफनाया। असल में पीछे की कहानी ये बताई जाती है। ओके, फिर इसके बाद में डी कंपनी ने क्या किया? जो सरदार खान और रहमान था उसके साथ, रहमान को खोजने की आईएसआई ने और फौज ने और पुलिस ने बड़ी कोशिशें की लेकिन वो मिला नहीं। क्या बात कर रहे हो, एक ऐसे डॉन के भाई को मार के वो निकल गया। आईएसआई कुछ नहीं कर पाई, फौज कुछ नहीं कर पाई, डी कंपनी कुछ नहीं कर पाई। ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ों में आदमी कई बार अपने वतनदार का भी साथ देता है ना, कि भाई ठीक है तुम्हारे एक गलत काम के लिए तुमने जो करना था किया, उस गलत काम को रोकने के लिए सामने वाले ने जो किया किया। अब वो तो पाकिस्तानी था ना, वो भी एक खेल हो जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। Okay. हालांकि ये बिल्कुल उसके बाद में रहमान के बारे में सब शांत हो गया, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें समझौता ही हुआ होगा। ओके okay. और एक और चीज़ जो जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक पता चली थी कि डी कंपनी में भी 2 फैक्शंस बन गए हैं। एक जो छोटा शकील का फैक्शन है और एक अनीस इब्राहिम का फैक्शन है। और लीडरशिप एक क्लियरली किसी को पता नहीं है कि दाऊद इब्राहिम के बाद में कौन वो टॉप डॉन होगा, तो ये क्या है? देखिए इसके बारे में कहता हूँ कि वो 2 फ्रैक्शन वगैरह तो जैसी कोई स्थिति नहीं है, जब तक दाऊद जिंदा है वैसा कुछ नहीं होना है। और जहाँ तक रह गई बात गैंग का लीडर कौन होगा, तो मैं आपको अभी से ये बात कह देता हूँ कि अनीस नहीं हैंडल कर पाएगा। ओके okay. गैंग को अगर कोई लीड करेगा तो वो निश्चित तौर पर छोटा शकील ही होगा, क्योंकि गैंग चलाना अलग काम होता है, ऑपरेशंस करना अलग काम होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाना अलग काम होता है, उतना रूथलेस और क्रूअल होना एक अलग चीज़ होती, और साथ ही साथ में वो उतने सारे कॉन्टेक्ट्स होना एक अलग बात होती है। अनीस का दाऊद के भाई होने के नाते थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों में हाथ है, लेकिन जैसे अनीस ने कभी भी किलिंग्स नहीं की कराई हैं जो शकील ने की है। स्मगलिंग और बाकी सब चीज़ों के बारे में जितना शकील को मालूम है उतना अनीस को नहीं पता है, तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। ओके okay. तो जो लीडरशिप क्वालिटी शकील में है वो मुझे अनीस में नहीं दिखाई देती। ये मेरा बहुत ही पर्सनल मतलब जो है आकलन विश्लेषण है। ओके okay. और दाऊद कभी वापस इंडिया आया 86 के बाद में, जब वो निकल गए यहाँ से, फिर वापस से कभी आने की कोशिश की या आ गया था? दर्जनों बार आया गया, किसी को पता ना चला, पता चला तो भी कुछ किया नहीं किसी ने। क्यों? बोर्ड से आते हैं, अपना काम करते हैं, निकल जाते हैं। इंटेलिजेंस को खबर नहीं होती? कैसे होगी? मैं कार्गो शिप में अगर बम्बई से एम्स्टर्डम चले जाऊँ, पाकिस्तान चले जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँ, कहाँ किसी को पता चलना है? तो वो इंडिया भी आया है इस तरह? इंडिया कई बार आया। वो क्यों? राजन आता रहा है, रत्नागिरी के थ्रू कई बार राजन आ करके गया, जब वो एग्जाइल में था, जब वो फरारी में थे। ये लोग सब कर लेते हैं। ये आपका मन का वहम है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति देश छोड़ के भाग गया तो देश आ ही नहीं सकता। भाई पासपोर्ट किसके लिए है? जो लीगली ट्रैवल कर रहा है उसके लिए ना, जिसको इलीगल ट्रैवल करना है उसके पास तो 25 रास्ते हैं। मुझे क्यों जाना है इंडियन पासपोर्ट के ऊपर दुबई या कराची? तो यहाँ से नेपाल जाऊँगा, नेपाल में 1 लाख रुपए के अंदर साला नेपाली रुपए के अंदर 1 लाख में वहाँ पासपोर्ट बन के तैयार हो जाता है। अपने यहाँ के 30-40 हज़ार रुपये हुए, वहाँ से मैं पासपोर्ट लूँगा। मैं तो शक्ल से भी नेपाली चीनी जैसा दिखता हूँ, मुझ पर कौन शक करेगा। चले जाऊँगा मैं वहाँ से, जा कर के अपना काम निपटा के वापस आऊँगा, वो पासपोर्ट वहीं पे अपने किसी बंदे के पास रख कर के वापस हिंदुस्तान आ जाऊँगा। हमारे कितने लोग ये करते हैं। एक पॉलिटिशियन को मैं जानता हूँ जो कि हमेशा मुंबई से दुबई जाता है या सऊदी जाता है और वहाँ जा कर के अपना इंडियन पासपोर्ट, अपने सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अपने कपड़े वपड़े वहीं पर छोड़ता है। उसको स्टेपल वीज़ा आता है, पासपोर्ट आता है कराची से, उसके ऊपर वो ट्रैवल करता है कराची, वापस आता है, वो स्टेपल वीज़ा और पासपोर्ट जो पाकिस्तान का है वो वापस चला जाता है, ये अपना इंडिया वापस आ जाती है इंडियन पासपोर्ट पे। क्या बात कर रहे हो सर। तो भाई आपके जैसे इंडिया के या इजराइल के या अमेरिका के स्पाई जो होते हैं, स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो जैसे ऑपरेट करते हैं वैसे अंडरवर्ल्ड करता है। उसमें परेशानी क्या है, ओपन सीक्रेट है ये। और जहाज तो जा ही रहा है ना, एक जहाज जिसके ऊपर 30,000 कंटेनर लदे हैं, उसके एक केबिन में अगर अंडरवर्ल्ड डॉन रह रहा है, किसको मालूम, किसे पता, राइट। आपने क्रू बता रखा है, उसे घूम रहा है वो, उसका भी वो जो मर्चेंट नेवी में काम करने वाले लोग होते हैं उनका एक डॉक्यूमेंट बनता है और एक उनका कंट्री पासपोर्ट होता है। वो दोनों चीज़ ले कर के अगर वो फेक घूम रहे हैं या नहीं भी लेके घूम रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कौन पूछने वाला है उन्हें। भाई आप जब पोर्ट में जाते हैं तो पोर्ट में पासपोर्ट देखा जाता है, लेकिन अगर आप बोट में बैठते हैं और अगर आप 30 नॉटिकल माइल दूर ईज़ेड में या इंटरनेशनल वाटर्स में जा कर के और ऊपर चले जाते हैं या चॉपर से आप उतर कर के और उस शिप पे उतर जाते हैं, बैठ जाते हैं, कौन रोकने वाला है आपको। लूपोल्स है फिर तो सब। लूपोल्स क्या है, दुनिया ऐसी है। छोटा राजन कैसे बच करके निकला बैंकॉक से, आर्मी के हेलीकॉप्टर में ना, आर्मी की गाड़ी में उसको बैंकॉक से वियतनाम, ये यहाँ बैंकॉक बॉर्डर तक ले कर के गए, वहाँ से समंदर से उसको मतलब वो किया, फिर उधर से एयरलिफ्ट किया, सब आर्मी की गाड़ियों में हुआ। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। तो आखिरी बार दाऊद कब इंडिया आया था, कोई हमें ठोस ऐसे डेट पता है। मैं एकदम तय तारीख तो नहीं बता पाऊँगा या वक्त नहीं बता पाऊँगा, लेकिन काफ़ी बार वो आ करके गया। इवन कराची जाने के बाद भी कई बार वो आया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पता ही नहीं चल सकता। अरे वो छोड़िए ना, 26/11 में आतंकवादी हमला हुआ, 1 तारीख को तो हम लोग बोट में बैठ करके और मतलब काफ़ी आगे तक चले गए थे। अगर मैं वहाँ से सीधे और थोड़ा चल गया होता तो कराची पहुँच गया होता। अच्छा, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपके पास अच्छी स्पीड बोट है, आप 6 घंटे में तो कराची पहुंच जाएंगे। 45-48 नॉटिकल माइल की स्पीड वाली आपके पास में अगर बोट्स हैं तो 5-6 घंटा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ही नहीं कुछ अरेंजमेंट। अब तो तब की बात करते हैं, आज भी आप जा सकते हैं। आज भी बिल्कुल। Okay. इसके बारे में हम और बात करेंगे, जो 26/11 वाला हमारा कॉन्वर्जेशन होगा। एक जो मुझे चीज़ आपसे पूछनी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट कि डी कंपनी का आज मतलब पहले तो हम ऑफकोर्स सबको पता है कि मुंबई में उनका एक दबदबा था, आज किस तरह से, आज भी क्या उनका कंट्रोल है मुंबई पे। मुंबई ही नहीं, हिंदुस्तान के कई शहरों और राज्यों पर उनका कंट्रोल है। ओके okay. और आपको बता दूं कि डी कंपनी ही नहीं, हमारे जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो लोग आज भी उसी तरीके से, उतने ही बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क कितना आया है कि जो डे टू डे किलिंग होती थी, सुपारी किलिंग होती थी, हफ्ता वसूली होती थी, ये 3 चीज़ें बंद हैं। गैंगवार बंद है तो आपस में मारकाट बंद है, हफ्ता वसूली उन्हें करनी नहीं है क्योंकि उनके पास में और बड़े काम हैं। जब आप 600 या 1200 करोड़ या 3000 करोड़ या 6000 करोड़ या 8000 करोड़ की ड्रग्स एक बार में हिंदुस्तान के बाहर भेज सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कमाई कितनी होती है। क्यों आप किसी आदमी को मारने के लिए 50 लाख की 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए अपने आदमी ख़राब करोगे, दिमाग ख़राब करोगे, प्लानिंग बनाओगे, गाड़ियाँ चोरी करवा करके यूज़ करोगे, ये सब इतना क्यों करोगे तामझाम? और जब पकड़ा जाए तो उसके लिए पुलिस थाना कचहरी करोगे। नारकोटिक्स में तो सिंपल है कि भैया 2000 करोड़ का माल पकड़ा भी गया तो छोड़ दो, सड़ जाएगा, वापस तो ले नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगले कंसाइनमेंट में पैसे की रिकवरी हो जाती है, प्रॉफिट नहीं आया, बैलेंस हो गया। यहाँ तो आदमी के ऊपर खर्चे करते रहने पड़ते हैं, तो वो सब करना बंद कर दिया। आज आपके पास में बड़े आराम से आप गोल्ड की स्मगलिंग कीजिए, ब्लड डायमंड की तस्करी कीजिए, बहुत सारे और किस्म की दवाइयाँ हैं, वियाग्रा की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। कैंसर की एक पर्टिकुलर मेडिसिन है जिसके बारे में मुझे मेरी जानकारी है, जो हिंदुस्तान में सस्ती बनती है, बैंकॉक में बड़ी महंगी होती है। हमारे यहाँ पे वही दवा जो है वो 12-14 हज़ार की है, वो वहाँ पर 30 हज़ार रुपये की है। तो यहाँ से वो दवा वहाँ पर तस्करी से जाती है। हमारे यहाँ से बड़े पैमाने पे वियाग्रा जो है वो खाड़ी देशों में जाती है या और कई कंट्रीज़ में जाती है, क्योंकि वहाँ महंगी बनती है, हमारे यहाँ बहुत सस्ती बनती है, सस्ते में बिकती है। तो ऐसे तमाम काम हैं जो कि वो लोग कर रहे हैं। अब वियाग्रा का अगर एक कंटेनर भी उन्होंने क्रॉस कर दिया, उनको सीधे से मतलब जो है वो 5-6 करोड़ का फ़ायदा होता है। वो क्यों बैठेगा आपके 2 करोड़ कमाने के लिए साल भर में, मतलब टुचुक करता रहेगा और लोगों को मारता रहेगा, बिल्डरों को तंग करता रहेगा, छोड़ दिया वो सब उन्होंने। तो बहुत सारे काम हैं जो कि वो लोग कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पहले के मुकाबले में बढ़िया कमा रहे हैं। ओके, तो डी कंपनी के आज कौन से बिजनेसेस है? ये जो मैंने अभी बताया वो तो है ही उनका, लेकिन सबसे बड़ा जो काम है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में, हैदराबाद में, भोपाल में और भी कई तमाम जगहों पे उनके लोग जो है रियल एस्टेट बिजनेस में लगे हुए हैं और बहुत मोटा माल पीट रहे हैं। आपको ये बता दूं कि मुंबई में ही बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं या इवन पूरे के पूरे क्लस्टर हैं जो डी कंपनी के अंडर में है, और अगर एक एक क्लस्टर डेवलप होता है तो आप मान करके चलिए कि उनको 40-50 हज़ार करोड़ से लेकर के 2-2, 2.5-2.5 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट है। ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी एग्जिस्ट करता है और ये सब चीज़ें चल रही हैं। और हमारा जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, वो क्या होता है? नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, सब नाचते हैं उस धन के सामने। पैसे की बीन ऐसी है कि बड़े बड़े कोबरा को भी मदमस्त कर देती है। तो इन लोगों की हैसियत विसात क्या है, ये लोग सब वहाँ जा कर के और झुक जाते हैं। बोलने की ही बातें हैं। आज जो डोंगरी में रीडेवलपमेंट हो रहा है या और कहीं पे हो रहे हैं, वो सब चीज़ों के क्या है, मुंब्रा में जाइए पता करवाइए कि कितनी मतलब बिल्डिंग्स में जो है वो डी कंपनी का हाथ है रीडेवलपमेंट में या नई बिल्डिंग तामीर होने में। और उनको छोड़िए, अडानी अंबानी भी कहीं पर बिल्डिंग बनाए और जिस इलाके में बना रहे हैं वहाँ के डॉन को उनके लोग पैसा हफ्ता नहीं दें, संभव ही नहीं है, उनको भी देना पड़ता है। आप के अगर 4 लेबर को आकर के वो लोग 1 हफ्ते में गोली मार गए, मर्डर नहीं किया, सिर्फ पाँव में मार गए, हाथ पे मार गए, पीठ पे मार गए, उसके बाद आपके यहाँ लेबर आएगा? आपको काम करवाना है। एक दिन में आपके यहाँ पर आपको 500 से लेकर के 1000 लेबर लगता है, अगर एक हाई राइज बन रही है तो कहाँ से आएगा वो लेबर? करेक्ट। वो लेबर रिटेन करते रहने के लिए आपको पैसा देना है ताकि वहाँ खौफ नहीं पैदा हो। अंडरवर्ल्ड में बिकता क्या है? खौफ। बुलेट नहीं बिकती है और कुछ नहीं बिकता, खौफ बिकता है। तो वो सारे के सारे डॉन्स जो हैं वो ऑपरेटिव हैं। दाऊद इब्राहिम की सबसे बड़ा जो आज की तारीख में है काम जो है वो रियल एस्टेट का ही है। राइट। और ये जो बीच में खबरें आते रहती है, पता नहीं आज तक कितने बार आई है कि दाऊद को ये हो गया वो मर गया, दाऊद को ये हो गया वो मर गया, कितने बार आज तक ये खबरें आई है? दाऊद जिंदा है या मर गया? दाऊद जिंदा है। और एक बहुत ही मजाक भरी बात या एक फ़नी चीज़ बताता हूँ। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो कई बार इतनी बड़ी बड़ी मूर्खताएं करते हैं इस चीज़ के कारण कि मुझे हंसी आती है। मेरी ही किताब मुंबई जब प्रकाशित हुई थी 2015 में, तो कई दिनों तक अखबारों ने वो नई तस्वीर छापी, कई दिनों तक जो है चैनलों पे वो खबर धूम से चली। मतलब मुझे याद है कि आज तक जैसे चैनल ने 3 दिन तक वो खबर चलाई, हेडलाइंस टुडे ने 3 दिन तक वो खबर चलाई, ऐसे तमाम चैनल ने चलाई थी और वही तस्वीर बार बार दिखा रहे थे। सवाल उठने लगा था इंटेलिजेंस के ऊपर कि जब एक अदना सा पत्रकार जिसकी अपनी कोई हैसियत औकात नहीं है, जिसके पास में कोई साधन संसाधन नहीं है, जिसके पास में इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है, उसका कैमरा वहाँ तक पहुँच करके और वो तस्वीर ला सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं पहुँच सकते वहाँ तक? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंसी शो करने वाली चीज़ हो जाती है। उसकी काट पैदा करने के लिए एक खबर जो है दिल्ली के एक चैनल में प्लांट की जाती है कि दाऊद इब्राहिम के बाएं पाँव में गैंग्रीन हो गया। अगले दिन दाऊद का बायां पाँव कट गया और तीसरे दिन दाऊद की मौत हो गई। अब उस चैनल का बंदा जो है मुझे फ़ोन करता है, यंग जर्नलिस्ट, बहुत पसंद भी करता हूँ उसको, बंदे को, कहता है कि सर इसमें वाइट चाहिए। मैंने कहा देखो यार, तुम्हारी ये खबर चलेगी नहीं मेरी मतलब बाइट के साथ में, क्योंकि मैं जानता हूँ दाऊद मरा नहीं है, ना गैंग्रीन हुआ है। तो बोले आप बोल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा नहीं बोलूँगा, हम जनपक्षधर पत्रकारिता करते हैं, प्रो पब्लिका। झूठ बोलना और झूठ परोसना, ये दो चीज़ें जो हैं वो हम लोग गलत मानते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा। उसने कहा कि ठीक है, फिर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बोल दीजिए। मैंने कहा कि देखो, आपको अगर पता करना है कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है कि मर गया, या इस कदर बुरी मौत मरा है गैंग्रीन होने के कारण, आपके पास गाड़ी है, कैमरामैन है, आप खुद हो, यहाँ से बैठिए, सीधे डोंगरी पहुँचिए। अगर डोंगरी खुली है तो दाऊद जिंदा है, और अगर वो बंद है, मातम है, लोगों के चेहरे के ऊपर दुख है, तो दाऊद मर गया है। तो बोले हाँ सर, डोंगरी तो खुली है। मैंने कहा आपके पास आपका जवाब है कि दाऊद जिंदा है। जिस दिन डोंगरी बंद होगी उस दिन हम आपको बता देंगे कि भैया आज यहाँ पे मातम बन रहा है, इस कौम का जो है एक मुहाफिज चला गया, फिर उसके बाद कहानी सामने आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बार बार जिस तरीके से भेड़िया आया करवाती है ना हमारी एजेंसीज, उसका नतीजा ये निकला कि जिस दिन वो वाकई मर जाएगा उस दिन कोई भरोसा नहीं करेगा। इतनी बार उसको मरवा चुके हैं, कभी सिगरेट का कैंसर दिखा दिया है, कभी दारू से मतलब वो हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब यार कमाल है, दाऊद इब्राहिम को साला फूड पॉइजनिंग हो जाए और वो मर जाए। और ये इतने मूर्ख है इस देश की मतलब सरकार हमारी, या हमारे हुक्मरान, इतने मतलब ओछी और छोटी सोच के लोग हैं कि दाऊद इब्राहिम को इस तरीके से मरवाते घूमते हैं। और दाऊद इब्राहिम को पकड़वाने के लिए इनाम कितने का घोषित करते हैं? 5 लाख रुपए। बाप रे, मतलब 70 पीढ़ियाँ तर जाएंगी बेचारे जिस उसको मिलेगी खबरी को। कोई बात हुई भला? ओसामा बिन लादेन के बारे में पता करना था अमेरिका का, तो उन्होंने $5 मिलियन का अवार्ड रखा था। भाई 5 मिलियन जितना तो रखो, तुम 50 लाख तो रखो, तुमने तो 5 मिलियन भी नहीं रखा, तुमने तो 0.5 मिलियन रखा। वो क्या मतलब है उसका? दाऊद से कौन पंगा लेगा? पूरा खानदान जड़ से मिटा देंगे वो लोग। दाऊद के वक्त की एक बहुत बुरी घटना आपको बताता हूँ, इस चीज़ से साथ में जुड़ जाती है। डोंगरी का एक बंदा जो है ना, वो बहुत इन लोगों को हैरास कर रहा था, इनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दे, इनके खिलाफ कुछ कुछ करे, वो मतलब पीछे से टिंगल करने वाले लोग होते हैं, वैसा था। तो ये लोग बहुत तंग आ गए थे उससे। तो बताया कि भाई इस लड़के का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। बोले कौन है, क्या है? तो बोले कि अपने उधर ही रहता है, ऐसा ऐसा आदमी है। बोले ठीक है, एक काम करो, उसके घर जाओ, उसके दोनों हाथ और पाँव काट दो, और उसके घर में जितना सामान पड़ा है सब उठा करके ले आओ, लेकिन उसको जिंदा छोड़ना। वो पूरी दुनिया में टुंडा घूमेगा और दुनिया को बताता रहेगा कि हमारे खिलाफ जाने का क्या हश्र होता है। उन्होंने किया ऐसे ही। वो जो खौफ है, जिंदा लाश घूमती रही खौफ की, एक दुनिया को बताती रही कि भाई के खिलाफ नहीं जाना। वो सपना दीदी उर्फ अशरफी भी दाऊद को मारने की कितनी कोशिश की, उसके घर में घुस करके ओमनी वैन से आए हुए लोगों ने, 6 लोगों ने उसको चॉपर और तलवारों और चाकुओं से कतर कतर के मारा, कीमा बना दिया था उसका। बीमार पड़ी हुई थी जबकि बिस्तर पे, उन लोगों ने वो नहीं किए। क्यों किया? चाहते तो गोली मार देते, नहीं, दुनिया को बताना कि भाई के खिलाफ गए तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। लाश गायब कर सकते थे, नहीं की, बताना कि दाऊद भाई के खिलाफ गए तो क्या होगा। तुम ख्वाब में भी सोचोगे कि भाई को अगर तुम मार दोगे तो तुम्हारा ये हश्र होगा। हुआ? आज कोई नहीं उसके खिलाफ बोलता। भाई हम सहाफ़ी हैं, हम पत्रकार हैं, हमें जो जानकारी है हम उतनी बोल सकते हैं, हम बोलते हैं। तो हमारे खिलाफ वो नहीं जाते क्योंकि ये हमारा पेशा है। एंड एक कहावत है ना कि मैसेंजर्स कैन नॉट बी शॉट या मैसेंजर कैन नॉट बी किल्ड, वो वाली चीज़ वो लोग भी समझते हैं। ये कहानी इसी तरीके की है और ये चलती रहेगी। अच्छाई और बुराई अनंत काल तक चलनी है, गैंग भी अनंत काल तक चलने हैं, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जब तक व्यक्ति विशेष के, इंसान के मन में ग्रीड है, लालच है, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। राइट, ओके, सो थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेसन के लिए। आई डोंट नो कि मतलब शायद हो सकता है, क्योंकि आपने जिस तरह से अभी एंड में भी कहा कि दाऊद इब्राहिम की गैंग का जो खौफ है और जिस तरह से वो अपना खौफ पैदा करते हैं लोगों में, आई एम श्योर उनके टैब्स भी हर जगह होते होंगे, वो हर जगह उनकी नज़रें होती होगी, शायद ये पॉडकास्ट भी देखे। बट थैंक यू सो मच सर, आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स कि मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो ओपनली शायद सीक्रेट की तरह सबको पता है, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद कभी किसी को, लोगों को पता ही नहीं थी, जो आपने आज रिवील की है। तो इस पूरे कॉन्वर्जेसन के लिए सर थैंक यू सो मच। कई सारे और आपके साथ में पॉडकास्ट करेंगे एंड I would love to have you back on the show, sir. Thank you so much for calling me, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. Thank you.